Namaskar. A warm welcome to all of you. Myself, CF Vivek Khurana. And today we will discuss on a very important topic, which is a very important part of bank branch audit, and that's LFR, long form audit report. And for that, we have with us our guest speaker and very learned faculty, CA Nayan R. Kothari from Vadodara. Nayan ji, a warm welcome to you. Thank you, sir. Namaste. Now, please, it's over to you. And we have received many queries, but the crux of that queries, many people want to know which kinds of thing we can do in LFR instead of audit report. And other I will discuss later on. Now it's to you. Please carry on, sir. Thank you, sir. Namaskar. Thank you very much, Vivek ji, for giving me this opportunity. I'm really happy to interact with you all nationwide. Coming straight to the topic, as Vivek ji mentioned, we are going to discuss about the LFR, long form audit report. जैसे हम कंपनी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं या कंपनी ऑडिट के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और वो एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंदर मास क्या है कारो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर बाकी आप देखने जाओ जो एसएस 700 वाला हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो है जस्ट ओपिनियन है उसको आप मॉडिफाइड या क्लीन वे में दे सकते हैं और बाद में जो अपना मॉडिफिकेशन हुआ है उसके अनुसार एम्फेसाइज ऑन मैटर पैराग्राफ कर सकते हैं अदरवाइज यू डोंट हैव एनी राइट to go beyond giving an opinion under SS 700. But banking is a typical business where many type of the typical transaction related to industry takes place. So those are transaction, my observation as an auditor at a branch level, those are transaction need to be brought to the notice of the various stakeholder, including central statutory auditors, ZORO people, and various other people. तो वहां पर जो जो चीजें हैं वहां पर जो जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड क्वेरीज या ओपिनियन नॉट ओपिनियन ऑब्जर्वेशन या ट्रांजेक्शन मुझे रिपोर्ट करने हैं उसके लिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज नथिंग बट माय लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट सो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेनली अगर आप देखने जाओ तो मेनली अगर हम बात करें बैंक ऑडिट के अंदर भी तो बैंक ऑडिट के अंदर क्या क्या चीज आती है मेनली दैट तीन चीजें हम एक बंच में वहां पर बना के आ जाते हैं एक अपना हो जाता है एस एस 700 वाला रिपोर्ट जिसकी फॉर्मेट बैंक ने मोस्टली रेडीली प्रोवाइड की होती है आप ब्रांच का नाम नंबर जो कोड वगैरह है वो ऐड करते हैं और अगर एमओसी देते हैं तो उसके अंदर मेरा ओपिनियन मैं क्वालिफाइड करता हूँ सब्जेक्ट टू एमओसी और एक या दो पॉइंट के अंदर हमको मीटिंग में समझाया जाता है सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ साथ कि यहाँ पर आप कोई ऑब्जर्वेशन है तो आप कहाँ पर डालेंगे एम्फेसाइज ऑन मैटर पैराग्राफ दूसरा जो बंच हो गया हमारा वो क्या होता है सर्टिफिकेट्स जो सिस्टम ड्रिवन होते हैं रेडीली अवेलेबल होते हैं जिसके रिलेटेड सारा डाटा हम चेक करते हैं एंड अल्टीमेटली वी साइन सील एंड डिलीवर दोज सर्टिफिकेट्स आफ्टर गेटिंग द सेटिस्फैक्टरी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस सो द क्वेश्चन कम्स वेयर एज एन ऑडिटर आई एम गोइंग टू मेक माई ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेटेड और उसके अलावा मैंने डिटेल में जो सारे काम किए हैं एक दिन में दो दिन में तीन दिन में चार दिन में बड़ी ब्रांच है तो उससे ज्यादा दिन में वो सारी चीजों का आई एम यूजिंग द वर्ड कॉन्शियसली मेकिंग एन इम्पैक्ट एज एन ऑडिटर वेर एंड हाउ आई बी मेकिंग द इम्पैक्ट सो दैट वुड बी थ्रू द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट ब्रांच का जो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट है ब्रांच का मतलब बैंक की ब्रांच जिसका हम ऑडिट करने वाले हैं उसका जो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट है दैट इज इनटू द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हर एक क्वेश्चन को मुझे ढंग से पढ़ना है उसके सामने उसका आंसर सिलेक्ट करना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल आई हैव टू गिव अ प्रॉपर आंसर इन अ सेंटेंस टू एंड आई अकॉर्डिंग टू मी आई शुड अवॉइड द आंसर लाइक यस नो नॉट एप्लीकेबल बट इफ इट इज यस देन आई शुड राइट आउट वॉट एवर इज माई ऑब्जर्वेशन इन वन और टू लाइन्स एंड देन आफ्टर इट कम्स एज अ यस और समटाइम एज अ नो देन additional information has to be given by way of the annexure. This is what is the mota moti format of the points related to LFR. Abhi hamari next 1.5 hour ki strategy kya rahegi? Main chahunga ke hum sare question padhe LFR ke related. Uske samne suggestive answer kya aa sakta hai aur uske baad mein uski queries hum kis particular annexure ke andar batayenge.
अभी पिछले 2-3 साल से, रादर उससे ज्यादा 4-1 साल से, बहुत सारी बैंकों ने पूरे का पूरा रिपोर्टिंग ऑनलाइन कर दिया है। LFR कोई जगह पर हमें पूरा एक्सेल में भरवाते हैं, उसको वैलिडेट करके अपडेट करवाते हैं, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, वेयर वी इवन डू नॉट हैव द मोर ऑप्शन टू गिव द आंसर्स, दे हैव गॉट द आंसर्स इनटू द ड्रॉप डाउन मेन्यू, अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अर्लियर सम ऑफ द बैंक आर अलाउिंग दैट टू बी प्रिपेयर्ड अपलोडेड, सम ऑफ द बैंक आर स्टिल आस्किंग दिस टू बी डन इन द हार्ड कॉपी मैनर। तो मेरा एक एक्सेल इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा फर्दर, वेन वी गो इन टू द स्लाइड वी शुड कीप दैट इन माइंड। मैं दो चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट आज आपके साथ करने वाला हूँ, क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। पहले जब ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू या रेडीली अवेलेबल क्वेश्चन आंसर नहीं होते थे, आई यूज टू इवन गिव यू द आंसर्स ऑल्सो इन वॉट मैनर वी शुड गो अहेड विद, बट अभी मैंने जैसे बताया आंसर आर रेडीली अवेलेबल। सो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू ईच क्वेश्चन, वॉट शुड बी माई मेथोडोलॉजी, पॉइंट नंबर वन एज टू गेट द डेटा, फ्रॉम वेयर वी शैल बी गेटिंग द डेटा, और विच bunch of the document do I have to check, and accordingly I'll be going ahead. And thirdly we should concentrate parallelly, आपको अपने आप या जब technology का already session कुंतल जी का हो चुका है वहां से भी आपको idea आया होगा, मैं ऐसा suggest करता हूँ हम commands लिख लेंगे या menu समझ लेंगे कि भाई आज मुझे advances related कुछ query लिखनी है। LFR में advances is a part number 5, advances का example मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो सबसे सुगम चीज है bank audit के अंदर। तो आज मुझे एडवांसेस के रिलेटेड कोई क्वेरीज लिखनी है, पॉइंट नंबर 5 विद द ऑल सब पॉइंट टॉक्स अबाउट द एडवांसेस, तो वहां पर क्या क्या आंसर्स है। सेकंडली कौन से फाइल डॉक्यूमेंटेशन मुझे चेक करने हैं, एंड थर्डली इफ आई एम रेडीली हैविंग एट अ प्लानिंग स्टेज द कमांड्स रिलेटेड टू देम, देन ऑटोमेटिकली वहां पर जाके कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रहेगी। हमें बोला गया है कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट हम ब्रांच में फाइनल करेंगे, LFR सबमिट करने की डेट भी एक्सटेंड करके रखी है, but according to me the best practice would be to finalize both of them together simultaneously, ek sath aur ikattha hi submit karke aana hai, nahi to uske andar gadbadi hone ke chances rehte hain. I'll go through with the couple of more slide, at that time we will have little more introductory part. Planning ke andar ek hi baat main batana chahunga, it's absolutely a T20 match, whomsoever you consider to be the best performer to give the output like that, like Kohli or any such great person who gives the best output in the limited over format, we are absolutely going to follow that how we shall be utilizing the power play, or how we shall be, you know, winding up the game in the 19th or the 18th over, and the targeted result will be achieved. So one should be very, very appropriately planned with the audit, including all the areas as I have mentioned. I'm repeating one more time, certificates, वहां जाके मुझे उसके रिलेटेड भी एक चेकलिस्ट बनानी है, कौन सा सर्टिफिकेट में कौन सा डेटा कहाँ से वेरीफाई करूंगा। ऑडिट रिपोर्ट इज अ वेरी सिंपल पार्ट, MOC अगर बनती है तो किस तरीके से देंगे, और LFR पहले से पढ़ के जाना है, स्टूडेंट्स को जो हम असिस्ट कर रहे हैं उनको पहले से बता देना है, एक्सेल शीट में साथ साथ शेयर करूंगा। अगर उस तरीके से इसकी प्लानिंग LFR के रिलेटेड भी हम लेंगे तो देर वुड बी वेरी इजी टू कम्प्लीट दी LFR अलॉन्ग विद दी और ऑन द सेम डे वेन वी आर कंक्लूडिंग दी बैंक ब्रांच ऑडिट ऑफ द ब्रांच, मे बी थर्ड और फोर्थ डे। Challenges are there to give the quality audit in the limited time frame. I just discussed that. For that, we need to do is proper audit planning. Quality of the audit, value addition, giving an impact to the users of our report. And that impact can be given by way of a report where we have got little bit freedom of expressing our observation. ऐसे 700 वाली जो report है, वहाँ पर कोई ज़्यादा freedom नहीं है expression की, वो एक format bound report है, वहाँ पर मैं खाली opinion देता हूँ कि ये सही है या गलत, और एक जगह के ऊपर मैं एक मैटर पैराग्राफ के ऊपर एम्फेसाइज कर सकता हूँ, उससे ज्यादा डिटेल में नहीं दे सकता हूँ। बट कायदे ने मुझे, बैंकिंग लॉ ने मुझे, RBI के रूल्स ने मुझे एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करके रखी है जिसको हम LFR बोलते हैं, वहां जाके मैं एडिशनल चीजें जिसके ऊपर कमेंट करना चाहूँ वो टेकअप कर सकता हूँ। तो जो क्वालिटी वाला पॉइंट है, वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट है, इम्पैक्ट वाला पॉइंट है कि भाई हमारी फर्म ने इतना अच्छा काम किया, तो वो यूजर्स ऑफ द स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को कहां पर इंपैक्ट करेगा, सो थ्रू LFR, दैट इज व्हाट इज वेरी पर्सनल व्यूज ऑफ माइन। और जैसे जैसे मैं आपको LFR की डिस्कशन आगे लूंगा, आप भी मुझसे एग्री करोगे कि यहाँ यहाँ पर हम बहुत सारा कम्युनिकेशन यूजर्स को, सेंट्रल स्टेचुटरी ऑडिटर्स को, ROZO के ऑडिट हेड्स को, ये LFR के जरिए कर सकते हैं। वी ऑल मस्ट ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, द वे विवेक जी इज डूइंग, the CA Sansar, a very great platform in the larger interest of the profession.
Similarly, we should take a clue from that, and by very proper planning, we will be also giving, as a professional, best output in the bank audit. There is a very beautiful quote I have quoted here. He who fails to plan is planning to fail. So planning is the key of success for any audit. प्लानिंग के रिलेटेड ऐसे कोई मैंने लंबे चौड़े चेकलिस्ट वगैरह बना के या ऐसा करके कोई काम यहाँ पर ज्यादा नहीं किया है, बट साथ साथ में मैंने जो एक एक्सेल आपसे डिस्कस करनी है वो करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लानिंग के बारे में भी डिस्कशन हो जाएगा. सो अगर LFAR की बात करें, सो इट्स अ टूल फॉर द ऑडिटर टू कीप द ब्रांच पीपल इन्फॉर्म्ड अबाउट इंपॉर्टेंट मैटर विच आर अराइजिंग आउट ऑफ ड्यूरिंग द स्टेचुटरी ऑडिट एक्सरसाइज. अवर ICAI इज इश्यूड द गाइडेंस नोट फॉर कंडक्टिंग द स्टेचुटरी बैंक ब्रांच ऑडिट, बट एज वी ऑल नो इट रन्स इन टू यू नो मेनी हंड्रेड्स ऑफ द पेजेस एंड ड्यू टू दैट इट वोंट बी वेरी इजी टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम. बट येस, वेन एवर इश्यू बेस्ड क्वेरी कम्स, द ICAI गाइडेंस नोट इज द बेस्ट सोल्यूशन टू इट. इट्स लाइक द इनकम टैक्स बैर एक्ट, पूरा कभी नहीं पढ़ते, बट वेन पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में डाउट होता है वी गो टू द बैर एक्ट एंड रूल्स. सिमिलरली ये स्टेचुटरी ऑडिट की जो गाइडेंस नोट है ICAI वाली, हमेशा अपने लैपटॉप में सर रखा करें, तो जब भी वहां पर कोई दिक्कत आएगी वी कैन रिफर टू द पर्टिकुलर पैराग्राफ ऑफ द सेम. LFAR ऑफ द ब्रांच आई ऑलरेडी मेंशन यू, इट इज इन टू क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट एंड HO का नैरेटिव फॉर्मेट में है, जिससे हमारा ब्रांच ऑडिट में कोई ज्यादा लेना देना आएगा नहीं. मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि एनेक्सर आर गिवन अलॉन्ग विद द LFAR विच विल बी एप्लीकेबल टू द ब्रांचेस हैविंग द लार्ज इरेगुलर और द क्रिटिकल एडवांसेस एक्सेट्रा. लास्ट 2003 में ये LFAR की फॉर्मेट रिवाइज हुई थी. इसके लिए आप बहुत सारे पॉइंट ऐसे देखेंगे कि जो CBS आने के बाद, कंप्यूटराइजेशन 100% होने के बाद थोड़े बहुत नॉट एप्लीकेबल हुए रहेंगे. द ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द LFAR एंड ऑडिटर शुड वेरीफाई द सेम. यस, स्टेचुटरी ऑडिट के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीजें रेडीली कंपाइल होके हमें मिलेगी, हमें बस उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटरी एविडेंस चेक करनी है साथ साथ, और जेन्युइनिटी ऑफ द डेटा चेक करना है. ऑडिटर शुड एंश्योर दैट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फाइल इज एडिक्वेट, रिकॉर्ड एंड वर्किंग पेपर आर प्लान्ड, फाइल्ड सिस्टमेटिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर विच वी आर इंक्लूडिंग द LFAR. कई सारी चीजें जो एनेक्सर ऑफ द LFAR के स्वरूप में जाएंगी, दैट वुड बी आइदर अ रेडीली अवेलेबल रिपोर्ट फ्रॉम द बैंक्स CBS सिस्टम, सम ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन वुड बी नोट्स ऑफ माई ओन, बोथ ऑफ देम. I divide you know documentation into two part. एक जो होते हैं document अपने prepared वाले, वो कौन से, हम खुद prepare करते हैं, लिखते हैं, मैं audit plan बना के जाता हूँ, उसके सामने मैं query लिख के आता हूँ वगैरह वगैरह. दूसरे कौन से होते हैं, obtained, उसके पास से मैंने report की copy मांगी, तो वो क्या गया, obtained. So one set of audit documentation is obtained, another is prepared, and both of them should be retained for the long period of time. बाद में जब कभी भी मुझे अपना व्यू जो भी रखा है उसके बारे में कोई क्वेश्चन किया जाए, या आई माइट हैव टू प्रूव मायसेल्फ दैट द ऑडिट वाज टेकन केयर विद प्रॉपर डिलीजेंस एंड केयर, और इफ एनी सच सिचुएशन अराइज, सो द ओनली थिंग व्हिच विल कम टू माय रेस्क्यू, एनीथिंग व्हिच विल कम टू माय हेल्प, दैट इज नथिंग बट माय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. इवन इन द आवर पीयर रिव्यू ऑल्सो द मेजर थ्रस्ट इज ऑन नथिंग बट द डॉक्यूमेंटेशन. तो दोस्तों ये तीन वर्ड आप हमेशा याद में रखिए, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ प्रिपेयर्ड, ऑब्टेन एंड रिटेन, and accordingly the things will go ahead. Regional office etc, they will be the various users, center secretary, auditor etc of the LFAR which we prepare. Before we go to the question answer of the LFAR, some do's and don'ts. We need to study, read each question thoroughly. Last year ka LFAR aapke paas hai to usko ek bar blank kar dijiye and उसको ध्यान से पढ़िए. ईच आंसर शुड बी प्रिसाइज. यहाँ पर मैं थोड़ा आपको दो तीन चीज बताना चाहूंगा. जैसे मैंने बोला, कई बैंक में ड्रॉप डाउन यानी वैसे आंसर सिलेक्ट करने को बोलते हैं, कई जगह पर अपने को आंसर सिलेक्ट करके पूरा ड्राफ्टिंग करना होता है. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट अवर लैंग्वेज. देर कैन नॉट बी एनी वेग लैंग्वेज. इन सम ऑफ द इंसिडेंट्स वी ऑब्जर्व दैट नो माई फ्रेंड्स, सम, मैनी एक्सेट्रा, ऐसे इंटेंसीफायर हमें यूज नहीं करने हैं. इन द 27 इंस्टेंसेस the observations are found, annexure number so and so. This should be my to the point specific instance of the weakness or shortcoming. Main audit report and LFAR are two separate report. Initially Vivek ji ne mujhe bataya tha, to ye dono ekdam independent report hai, ek dusre ke andar iski koi cross referencing nahi honi chahiye. जहां तक ओपिनियन का सवाल है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ माय मेन ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि वहां पर मैं ओपिनियन देता हूं. जब MOC आती है, सो माय ओपिनियन वुड बी मॉडिफाइड सब्जेक्ट टू MOC, अदरवाइज इट विल बी द क्लीन ओपिनियन.
बट एलएफएआर के अंदर हम क्या करते हैं, त्रुटियों के ऊपर विवरण देते हैं. वी गिव द लिस्टिंग ऑफ द क्वेरीज, बट द क्वेरीज आर नॉट सच दैट इट मे इम्पैक्ट माई ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल, पीएनएल को पीएनएल ही बोला जाता है बैंकिंग में, बट बैलेंस शीट के रिलेटेड जो शब्द यूज किया जाता है उसको वो लोग जीएल, जनरल लेजर ऑफ द ब्रांच बोलते हैं, जो 31-3 का हम सर्टिफाई करके आते हैं. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वन ऑफ दी सर्टिफिकेट विच वी सर्टिफाई एज अ बंच ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट. सो दिस इज दी डूज एंड डोंट्स. फर्दर मेन रिपोर्ट इज अ सेल्फ कंटेन्ड रिपोर्ट. One should not contain any reference of the LFR in the main report. It should be sufficiently detailed and quantified to enable the expeditious consolidation. क्योंकि ultimately क्या होगा दोस्तों, central statutory auditor पूरे region, पूरे zone का LFR branch wise consolidate करेंगे. इसीलिए Excel के भी जो format है, जो row number है, जो column number है, जिसमें LFR बनाने को बोला है, वहां पर भी हम modify नहीं करेंगे. Otherwise उनको उसका electronically consolidation करने में भी दिक्कत होती है. Do not make LFR of the current year to be the replica of the previous year. I just initially mentioned that it is of the utmost importance to management as well as the central auditor finalize both of them simultaneously. I just mentioned that well drafted scope of the work carried out should be clearly specified along with the methodology and should create an impact on the bank management about quality of the work which our firm has carried out, of course in the shortest possible time but with the maximum effect and impact on the quality. That is not the substitute of the statutory audit report. Both of them are independent. Sir, कई बार ऐसा बोला जाता है, सर आप उसमें MOC मत दो, आप LFR में लिख दो. No sir, MOC is going to effect on my opinion. LFR is a narrative additional reporting requirement. तो opinion का substitute LFR नहीं है. Based on the audit, if any matter having the impact on to a fair view of. Want to yes, add sir, one please. Thing? Even Please, received sir. One two queries also regarding first time auditors. You know, sometimes what happens? Bank manager क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमने बना दिया LFR, but never ever do this thing. I just want to convey to my young members because yes, this sir. Is the duty of the auditor. This is the part Very of audit. The part it's our yes. duty. It's not the manager duty. कि वो कहते हैं कि हमने बना के निकाल दिया print out आपके लिए. Never ever do this thing. दो करोड़ के ऊपर वाले एडवांसेस जो 5 नंबर के पॉइंट में एलएफआर में आएंगे उसकी कॉपी वो लोग एडवांस में बना के रखे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे. और उसकी 2-3 कॉपी हम इतना डिटेल में चेक करेंगे कि वहां पर भी कुछ मैनिपुलेशन किया है तो इमीडिएटली पता चल जाएगा ओवरऑल उसका कंपाइलेशन का क्वालिटी कितना सही है. बाकी आपने बोला वो 100% सही चीज है, हमें रेट में एलएफआर को उनसे लेना ही नहीं है. Nah. Yes. जी वेरी प्लीज. ओके आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो बेस्ड ऑन अवर ऑडिट इफ एनी मैटर हैविंग इंपैक्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू दैट विल वारंट द मॉडिफिकेशन और एम्फेसाइज ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन और एडिंग ऑफ द ईओएम पैराग्राफ इन आवर स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट इट विल नॉट हैव एनीथिंग विद द एलएफएआर. ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों साथ साथ खत्म करना है, कोई क्रॉस रेफरेंसिंग इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट की और LFR की नहीं करनी है. 3 पैराग्राफ में, 3 पार्ट में LFR जाता है. कंप्लायंसेस के बारे में एक कमेंट करनी होती है कई सारी जगहों पर, कई सारी जगहों पर डेफिशिएंसी लिस्ट आउट करनी होती है. एट सर्टेन प्लेसेस वी नीड टू एंश्योर, सॉरी वी नीड टू गिव द डिटेल्स व्हाट टेस्ट चेकिंग वी डिड, व्हाट वेरिफिकेशन वी डिड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दोज वेरिफिकेशन एंड टेस्ट चेकिंग व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, व्हाट आर द क्वेरीज रिलेटेड टू आइदर डॉक्यूमेंटेशन और अ रिपोर्ट और मे बी द एंट्रीज. राइट, यहाँ से हम शुरू करते हैं. जैसे मैंने अभी बोल दिया कि 5 नंबर का पार्ट आपका एडवांसेस है, तो वो ऐसा था. आप यहाँ पर देख रहे हैं Roman 1. सो फर्स्ट नंबर का जो पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग दी एसेट, SA 1, 2, 3, 4 करते करते हम आगे के पार्ट पे जाएंगे और अकॉर्डिंगली विल गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ द सेम. 1 मिनट यहाँ पर मैं PPT को पॉज करके सर आपको एक एक्सेल बताना चाहता हूँ. एक्सेल इज विजिबल विवेक जी? हेलो विवेक जी, एक्सेल दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर, यस सर. देखिए अभी दोस्तों हम जो 4 पार्ट के अंदर मैंने एक मेथोडोलॉजी आपको सजेस्ट किया था. पहले होता है ये क्वेश्चन, पूरा एक बार पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे. डज द ब्रांच जनरली कैरीज अ कैश बैलेंस विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द लिमिट फिक्स्ड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द बैंक एंड वेदर एनी एक्सेस बैलेंस हैव बीन रिपोर्टेड टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द बैंक.
बाद में हमने यहाँ लिखना है इसका आंसर कि भाई इसकी लिमिट कितनी है, और जो 250 दिन या 260 दिन बैंक चली है, फॉर एग्जाम्पल 250 डेज, उसमें से 17 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 5 दिन, 4 दिन, कितने दिन ये पर्टिकुलर कैश एक्सेस गई है, उसका एक मेरा एनेक्शर बनेगा जो यहाँ एनेक्शर वन के तौर पर अटैच हो जाएगा। अभी इसके साथ मैं ऑडिट प्लानिंग की बात देता हूँ, ये जो दो कॉलम मैंने ऐड किए हैं इसके साथ साथ सर, यहाँ क्या करूंगा मैं, मेथोडोलॉजी लिख के जाऊंगा पहले से, ऑब्टेन द कैश रिटेंशन लिमिट, वेरीफाई द कैश लेजर ऑन सैंपल बेसिस, वेरीफाई द इंस्टेंस ऑफ द एक्सेस कैश बैलेंस, ऑल्सो वेरीफाई द प्रोसेस विद द एटीएम एंड कैश। कई छोटी ब्रांचें होती है, रूरल ब्रांचें होती है, उसमें एटीएम की कैश ब्रांच ही फीड करता है वहां पर, और वो एटीएम की कैश ब्रांच की कैश मानी जाती है। बड़ी ब्रांचें, सिटी की ब्रांचें में एटीएम का बंदोबस्त पूरा सेपरेट एजेंसी करती है, लाइक सीएमएस एक्सेट्रा, तो एटीएम की कैश अपनी ब्रांच की कैश में आती नहीं है। तो आप जो जीएल बैलेंस शीट में कैश सर्टिफाई करते हो, वो अगर एटीएम आपके पास है तो कौन सी होगी, 31/3 की 4 बजे की फिजिकल कैश प्लस रात के 12 बजे का एटीएम का रीडिंग, और एटीएम आपके ब्रांच में नहीं है तो जो शाम को 4 बजे डे एंड हुआ 31/3 को, वही कैश हम वेरीफाई करके, वही कैश सॉरी हम सर्टिफाई करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिख के क्या रखा है, मेथोडोलॉजी के भाई पॉइंट नंबर वन का जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कौन कौन सी चीजें देखनी है, फिर मुझे कौन कौन से ऑडिट एविडेंस लेके आने हैं। तो भाई आज इन्होंने बोला कि एक्सेस कैश के बारे में आप एनेक्शर दो, तो ऐसे ही तो मैं नहीं दूंगा, नहीं, मैं कैशियर साहब को बोलूंगा सर मुझे कितनी बार ये 250 दिन 1 साल में आपकी बैंक चली है उसमें से कितनी बार कैश एक्सेस गई, आपने बोला कि भाई 18 बार गई है, तो मुझे वो डे डेट के साथ एक लिस्ट बना के दे दीजिए। रिटेंशन लिमिट अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल प्रिंटआउट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम लिखेंगे एज इन्फॉर्म्ड टू अस द रिटेंशन लिमिट इज फिक्स्ड एट ₹20 लाख। और जो थर्ड कॉलम ब्लैंक वाला आप देख रहे हो, जो आपको खुद से एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि कई जगह टीसीएस बैंक यूज हो रहा है, कई जगह पर अपना फिनेकल यूज हो रहा है, कई जगह कोई और सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो यहाँ पर अगर आपको पहले से पता है तो सीबीएस की रिक्वायरमेंट भी हम लिख के जाएंगे। तो अगर आप एलएफएआर के हर एक क्वेश्चन के सामने मेथोडोलॉजी और कौन कौन से एविडेंस लेने हैं उस तरीके से ये एक्सेल मैंने बनाई हुई है, चाहे तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, उसको पहले से लेके चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती चलेंगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर वन के अंदर किस किस के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है, एक नंबर कैश इन दी एक्सेस। अभी हम बोलते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है, हमने कंपाइल करके दे दिया सर। आप देखो कारों के साथ इसको मैं अगेन कंपेयर करना चाहूंगा कंपनी ऑडिट रिपोर्ट में, कि भाई जितने सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मटीरियलिटीज वन कॉन्सेप्ट बिटवीन द ऑडिट ऑलवेज लर्न, तो यहाँ पर एक सर ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो ब्रांच के ऑपरेशन में मटीरियलिटी रखते हैं। क्यों सर, कैश ही तो है, अपने ही पास पड़ी थी, चलो 20 लाख की लिमिट थी, एक्सेस हो गई, क्या फर्क पड़ता है सर। फर्क पड़ता है, बैंक रन विद दी पब्लिक मनी, उसको ये पैसे को एक दिन के लिए भी आइडल नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा उसका लिक्विडिटी बिगड़ेगा कि भाई मेरे पास जितना भी पैसा है मैं इस तरीके से उसको मैनेज करूं, एडवांसेस दूं या ऐसे लिक्विड फंड्स में रखूं कि मुझे उतना पैसा कमा के दे जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट प्लस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिकवर हो जाए एकदम लेमन टर्म में अगर मैं बोलना चाहूँ तो। इसलिए इन्होंने कैश की रिटेंशन लिमिट फिक्स करके रखी है, इससे ज्यादा पैसा मैं लिक्विड कैश में नहीं रखूंगा, एंड आई नीड टू एंश्योर दैट द कैश शुड यील्ड समथिंग टू मी। एंड सेकेंडली इन एडिशन टू दैट वी नीड टू ऑल्सो टेक केयर अबाउट द इंश्योरेंस पार्ट। इन्होंने इंश्योरेंस लेके रखा होता है रिटेंशन लिमिट तक का, तो आज उससे एक्सेस केस आपके पास कोई भी रीजन से आ गई तो दैट मे बी अनइंश्योर, कल उठ के कुछ भी हो जाता है, नेचुरल कैलामिटी वगैरह, तो द ओनली पार्ट विच इज सिक्योर्ड वन विल ओनली बी कवर्ड। वन मोर चीज, इसके बाद जो आता है जो ट्रांजिट में होती है कैश, उसका इंश्योरेंस लिया है या नहीं। बड़े बड़े सिटीज में आजकल ये ट्रांजिट वाला मामला इन्होंने आउटसोर्स करके रखा है सिक्योरिटी एजेंसीज को, और कई सारी नेशनलाइज बैंक आज भी ट्रांजिट का काम खुद करते हैं, उसकी प्रोसीजर के ऊपर कमेंट नहीं करे, बट एटलीस्ट उन्होंने एक चीज पूछी होती है इसका इंश्योरेंस कॉपी लिया या नहीं। कॉमन आंसर दोस्तों हम लिख के आते हैं एज इन टू अस बीन ईयर सॉरी इट हैज टेकन एट आरओ लेवल, एटलीस्ट यस लिखिए इट हैज टेकन एट आरओ लेवल एज इन्फॉर्म्ड टू अस एंड वी वर और वी वर नॉट प्रोवाइडेड विद दी कॉपी ऑफ द सेम। कई बार उन्होंने ब्रांच वाइज नहीं ले रखे होती इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई कंसोलिडेट इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, फाइन, बैंक को जो भी एक अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार प्रोसीजर बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी होगी वो करेगा, बट आज मुझे उसके ऊपर कमेंट करना है। आई एग्री इट इज टेकन एट आरओ लेवल, बट आई नीड टू बी वेरी प्रिसाइज वेदर
How did I come to know it is taken at RO level? Whether I had gone through the policy document or it is as informed. So जो मैंने पहले बताया ना, we should be very precise about writing our language, क्योंकि मैं एक responsibility ले रहा हूँ हर एक question का answer देके। एक और चीज, PML की बात आती है लास्ट लास्ट में, fraudulent transaction की बात आती है लास्ट लास्ट में, तो एक वर्ड हमारे ऑडिट में आता है persuasive audit evidence। आज कोई भी चीज एबनॉर्मल होती है तो वो मुझे सोचने के बारे में मजबूर करती है, उसको मैं बोलूंगा परस्यूजिव ऑडिट एविडेंस। ऑडिट की किताब नहीं पढ़ते, बहुत सिंपल से हम समझते हैं। तो एबनॉर्मल क्या हो गया कि भाई चलो 250 दिन बैंक चला है, 1 साल के अंदर 52 रविवार बात कर दे, 24 और शनिवार बात कर देते हैं दूसरा और चौथा वाला, और दूसरी 24 छुट्टियां बात कर देते हैं, तो 250 दिन के अंदर ठीक है 20 बार 24 बार 10% दिन कैश एक्सेस जाती है तो मैं समझ सकता हूँ इट इज नॉर्मल, बट उससे ज्यादा जा रही है तो इजंट इट परस्यूएडिंग एन ऑडिटर टू थिंक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन? आइदर द लिमिट फिक्स इज रॉन्ग और द बैंक का पोर्टफोलियो ऑफ द कस्टमर ऐसा है जो कैश का या कैश रिलेटेड बिजनेस ज्यादा करते हैं। आप पूछेंगे सर ये हर बार क्यों एक्सेस कैश चली जाती है? आई नो सर स्टेचुटरी ऑडिट में हमें इतना टाइम ही नहीं होता है, बट आप पहले की प्लानिंग करके जाओगे तो 2 मिनट से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछने में या इसका सोल्यूशन लाने में नहीं जाएगा। वो बोलेगा सर हमारे पास 2-3 स्कूल का खाता है, कोई रेस्टोरेंट का खाता है, कोई बड़े बड़े होटल का खाता है, तो हर सोमवार बिल्कुल दो वीकेंड वीकेंड की 2 छुट्टी आती है, उसके बाद वो लोग कैश जमा करते हैं और उससे हमारा कैश एक्सेस हो जाता है, करेंसी चेस्ट को बोलते हैं, बट वो लोग वैन भेजने में एक आधा दिन ले लेते हैं, या कि सेमी अर्बन या रूरल ब्रांच है तो वो बोलेगा कि सर यहाँ से मैं 2 लाख रुपए कैश भेजूं या 2 लाख रुपए कैश एक्स्ट्रा पड़ी रहने दूं, कॉस्ट तो एक ही आती है, क्योंकि मेरा फोकल पॉइंट ब्रांच जहाँ पर कैश जमा करना है वो इतना किलोमीटर दूर है, ये ऐसा एरिया है कि जहाँ पर वेरी इजीली कैश को ट्रांसफर करना भी सिक्योरिटी रीजन से पॉसिबल नहीं है, फाइन आई गॉट सेटिस्फेक्शन, उसको मुझे कहीं लिखना नहीं है, बट यहाँ आंसर ऐसा मिला कि 50 बार 55 बार कैश एक्सेस चली गई है, और जो मैंने एग्जाम्पल बताए कन्विंसिंग वाले थे वैसा कोई कन्विंसिंग एग्जाम्पल नहीं मिला। तो सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी ये सब चीजों को सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की लिस्ट में दिया गया है, ये मुझे बैक ऑफ द माइंड रखना है एडवांसेस या ऐसा कुछ भी चेक करते समय कि कौन से खाते की वजह से ये कैश ऊपर जा रही थी, एंड विच एज परसुएडेड सॉरी विच एज पुश द कैश टू गो ऑन द अपर साइड, एंड दिस शुड परसुएड द ऑडिटर इन द पर्टिकुलर फील्ड टू गो विद द डिटेल्ड एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, राइट? ज्वाइंट कस्टडी ऑफ कैश के बारे में हमें पता चल जाएगा, वो आप पूछेंगे बोलेगा हाँ सर दो जने हैं चाबी लेके जाते हैं, बट यहाँ पर भी अगर आपको डिटेल में जाना है सर एक मैनुअल रजिस्टर बनता है जिसको लोग बोलते हैं की मूवमेंट रजिस्टर, उसको भी एक बार मंगवा के चेक कर लीजिए, चाहे नहीं कर लीजिए बट एक बार मंगवाइए, उनको लगेगा कि भाई ये भाई साहब एडवांस इसको छोड़ के सारी चीजों में जा रहे हैं, और हम क्यों ना जाए सर, स्टेचुटरी ऑडिट मतलब एडवांसेस का ऑडिट एक भावना बन चुकी है, आई एग्री टू इट, मैक्सिमम टाइम मेरा भी वहीं पे जाता है, बट जब मैं पूरी बैलेंस शीट साइन करके आता हूँ, जीएल सर्टिफाई करके आता हूँ, तो उसके रिलेटेड सारी चीजों के बारे में मुझे तो जहां जहां डाउट पड़ता है मुझे देखना पड़ेगा, आज मैं ड्यूअल कस्टडी में कैश है लिख के आता हूँ ऑल 250 डेज, पर्टिकुलरली ऑन दोज वीकेंड्स, लॉन्ग वीकेंड्स एंड द संडेज, तो वहां पर मैं किस बेस पे लिख के आता हूँ? तो भाई एक ही डॉक्यूमेंट है उसका सीबीएस होने के बावजूद भी मैनुअल रजिस्टर जो बनता है दैट इज द की मूवमेंट रजिस्टर, तो आप एक बार पूछ लीजिए सर कभी भी मुझे बता दो, लंच के बाद में निकाल के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो ना देखो कितना फास्ट देखो एक अलग चीज है, बट ही विल गेट एन आइडिया दैट दिस ऑडिटर हैज वेल प्रिपेयर्ड, ही नोज ऑल द क्वेश्चन ऑल द एरिया ऑफ द ऑडिट, एंड उसको पता है ये आंसर के रिलेटेड आइदर डॉक्यूमेंट रजिस्टर रिपोर्ट ऑफ द सीबीएस कौन सी निकालनी, तो हमें एक लिमिट से ज्यादा बातों में उलझाना या गुमराह करने वाली बातें नहीं करेंगे। चोपड़ा सर का भी लेक्चर हुआ था, उन्होंने तो बहुत अच्छे से बताए होंगे हाउ द मैनेजर यू नो वेस्ट आर टाइम और दे कीप अस ऑक्यूपाइड, उनके तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वो हमेशा शेयर करते हैं। तो ज्वाइंट कस्टडी में बोलूंगा एक बार सर की मूवमेंट रजिस्टर भी मंगवा के देख लीजिए, इफेक्टिवली ज्वाइंट कस्टडी है यानी उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें मिल जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ द कैश, आज तो अभी ये परिस्थिति में 1-4 की कैश तो वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होगी, बाकी जनरली क्या होता है 1 या 2 ब्रांच की ऑडिट आती है तो कम से कम एक ब्रांच की तो 1-4 की कैश हम वेरीफाई कर सकते हैं, बट अभी तो ऑडिट कब चालू होगा तब तो पता होगा नहीं, बट यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने 1-4 की कैश चेक करी या नहीं, क्वेश्चन ये है जो अथॉरिटीज के पास कैश की कस्टडी है या जो ब्रांच हेड है उसने ड्यूरिंग द ईयर एट अ पर्टिकुलर पीरियोडिक इंटरवल ये कैश को चेक किया था या नहीं। सर मैं ये 2 दिन में कैसे चेक कर लूंगा कि उसने 6 महीने पहले 3 महीने पहले ये कैश चेक की थी, यानी कैश क्रॉल मैनुअल रजिस्टर जो बनता है मंगवा के आप देख लीजिए, वहां पर उसने
एक्चुअली या एटलीस्ट आपके आने से पहले वेरिफिकेशन की साइन तो मारी है या नहीं, एंड यू विल गेट टू नो। कई बार डाउट पड़ता है तो पूछ लीजिए, और वो आपको बोल रहे हैं कि सर मैं तो 2 महीने से ही आया हूँ ब्रांच में, तो चेक कर लीजिए बाई चांस आपको दिखाने के लिए उसने 2 महीने पहले तो साइन नहीं कर दिए कैश वेरिफिकेशन में। सर थोड़ा सा जो एक स्केप्टिज्म ऑफ द ऑडिटर, गुड क्वालिटी ऑफ द ऑडिटर के बारे में सबसे पहले ऐसे में जो बोला गया है ना उसके बारे में ही थोड़ा ध्यान रखेंगे, आँख कान थोड़ा खुला रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें अपने पकड़ में आती जाएंगी। जो फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में भी विवेक जी ने स्पेसिफिक मेंशन किया था, उनको मैं यही बताना चाहूंगा, सर ऑडिट हमारे खून में है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बट ये पर्टिकुलर बैंकिंग इंडस्ट्री में ये चीज कैसे जाती है उसके रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखना है। जो ऑडिट हम हमारे प्राइवेट क्लाइंट के लिए करते हैं वो हमारी बात मानते हैं, या उसका अकाउंटेंट हमसे पूरा खुल के बात करता है, वैसी बात यहाँ नहीं होगी। तो मुझे परस्यूज ऑडिट एविडेंस, जहां जहां पर स्केप्टिकली कोई ऐसे ट्रांजेक्शन सस्पिशियस इन नेचर दिखते हैं उसको नोट करके आगे जाने का, जो प्रैक्टिकली अप्रोच ऑडिट बुक्स में सिखाया गया है वो इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलते जाएगा। ऑफकोर्स वी विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ ईच क्वेश्चन, बट थोड़ा यहाँ इनिशियली था तो मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे डिटेल में दिए कि हम उसके बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। सेकंड पार्ट असेट के अंदर ये बैलेंस कंफर्मेशन एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑन रिकंसिलिएशन इफ एनी, एंड एनी अदर स्पेशल ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू रिकंसिलिएशन। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला कॉमन आंसर क्या आ जाएगा, जैसे ही आप रिकंसिलिएशन के बारे में बात करेंगे, सर हमारे दूसरे खाते नहीं है, या एवरीथिंग इज रिकनसाइल्ड इट इज सीबीएस। सर एवरीथिंग इज रिकनसाइल्ड इट इज सीबीएस वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, बैलेंसिंग ऑफ द बुक, आपके बैंक के अंदर के खाते बैलेंस हो जाना उसके लिए आपके खुद का सीबीएस जिम्मेदार है, बट आपकी बैंक का, आपकी ब्रांच का दूसरी बैंक में या दूसरे क्लियरिंग हाउस में जो खाता है वो रिकनसाइल होता है या नहीं होता है उसके लिए आपका सीबीएस जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ ऐसा आंसर हमको मिले कि सर सीबीएस आने की वजह से कुछ रिकनसाइल है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सर ऐसा नहीं होता, या कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि अभी तो ये करेंसी चेस्ट आ गया, ये वो हो गया, तो हमें दूसरे खाते ही नहीं खोलते हैं। आई एग्री, बट बहुत सारी जगहों पर दूसरे खाते होते हैं, मेरा क्लियरिंग हाउस के साथ खाता होता है, सेमी अर्बन या रूरल ब्रांचेस को नियर बाई ब्रांच खाता वो लोग खुलवाते हैं, कई बार कैश वगैरह के लिए कोऑपरेटिव बैंक का कंपलसरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में खाता होता है। तो अगर आपको इसका सेटिस्फेक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, आप सीधा जीएल में उठा के देख सकते हैं कौन कौन से बैंक अकाउंट वहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे हमारी बैलेंस शीट में आ जाते हैं एनेक्चर बैंक बैलेंस का, तो वहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। अभी कहाँ कहाँ रिकंसिलेशन के इश्यू अराइज होते हैं, 2 और 3 सिंपल एग्जाम्पल। सर क्लियरिंग हाउस में आपसे 2-4 इश्यूज, 2-4 ट्रांजेक्शन चार्जेस लिए हैं, चार्जेस लिए हैं, लेट्स मेक इट सिंपल, और वो चार्जेस, वो इंटरेस्ट, वो पेनल्टी, या जिस किसी भी प्रकार का चार्जेस है वो आपने आपके बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया, आप उसको चार्जेस नहीं मानते, आप ऐसा बोलते हो कि ये चार्जेस मुझे देने नहीं है, और उसने तो आपके खाते में चार्ज कर लिए, तो ड्यू टू दैट लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑल्सो देर वॉन्ट बी रिकंसिलेशन बिटवीन माई लेजर विद दी क्लियरिंग हाउस वाला बैंक और अ ब्रांच एज वेल एज हिज लेजर इन टू माई। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंस थे, पहले इनवर्ड क्लियरिंग आती थी, ओबीसी आईबीसी रहते थे उसके अंदर भी ये होता था, अभी तो ये नया सिस्टम ऑफ क्लियरिंग के बाद क्लियरिंग एक लिमिट से ज्यादा खड़ी नहीं रहती, तो वहां रिकंसिलेशन के इश्यूज नहीं आएंगे, बट आप कोई भी जगह पर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू मी देर आर ऑल द चांसेस ऑफ रिकंसिलेशन इंक्लूडिंग विद द करेंसी चेस्ट ऑफ योर ओन बैंक। तो पहले इतना समझना है यहाँ मेथोडोलॉजी में कौन कौन सी जगह पर कितने खाते हैं, और वो खाते सामने वाले के मंगवाने हैं, और अपनी ब्रांच का, अपने जीएल का लेजर उससे मैच करना है। हमको हमेशा यही समझाया जाता है इसमें रिकंसिलेशन इशू नहीं आएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी देर आर चांसेस ऑफ द रिकंसिलेशन इशू, और है तो है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज माई ओपिनियन टू बी अ क्वालिफाइड वन, बट इट इज मेरी एन ऑब्जर्वेशन आई नीड टू पुट अप कि कहाँ कहाँ पर इसका रिकंसिलेशन पेंडिंग है। तो पॉइंट नंबर 1 ये पूछता है आपके कौन कौन सी जगह पर खाते हैं रिकनसाइल है या नहीं, पॉइंट नंबर 2 में हम ये लिख रहे हैं कि भाई ये जगह पर रिकंसिलेशन नहीं बना है तो, और रिकनसाइल नहीं है तो व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द पॉइंट व्हिच मींस क्रिएटिंग इट टू बी अनरिकनसाइल्ड वन, एंड इफ एट ऑल इट इज रिकनसाइल्ड बट ड्यू टू द सम ऑफ द ट्रांजेक्शन व्हिच इज फैचिंग माय अटेंशन दैट दिस शुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू, और दिस आर नॉट फॉर द रिलेटिंग टू द पर्पस फॉर व्हिच द पर्टिकुलर अकाउंट हैज ओपन विद द अदर बैंक और विद द क्लियरिंग हाउस एक्सेट्रा, तो वो ऑब्जर्वेशन के बारे में भी यहाँ पर मैं नैरेटिव इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। सो दैट वाज अबाउट द रिकंसिलेशन एक्सेट्रा विद द अदर बैंक।
मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस। आज के दिन में बैंक को मनी एट कॉल या शॉर्ट नोटिस, ब्रांच को आई एम सॉरी, नहीं अलाउड है, हमें रखना नहीं है। तो दिस विल बी ऑलवेज नील, बट बाय एनी चांस इफ दे आर कीपिंग इट, आई ओनली आंसर हियर वन वन थिंग, वी विल हैव टू गो प्योरली एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक। ठीक है, इसके बाद चौथा जो है पॉइंट, चार नंबर का पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में दो चीज मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर वन, ब्रांच को कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रखने की परमिशन नहीं है। यू विल नेवर फाइंड एन इन्वेस्टमेंट एट अ ब्रांच जीएल। पॉइंट नंबर वन, मेथोडोलॉजी एंड एविडेंस, आई ऑलवेज प्रिफर टू टेक अ नील सर्टिफिकेट ऑफ नो इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाई द ब्रांच। ये नील सर्टिफिकेट जो मैं बोला, इसको आप बैंक के सर्टिफाई करने वाले सर्टिफिकेट के बंच से कंफ्यूज मत करिएगा। दिस इज अ जस्ट मैनेजमेंट, दिस विल बी पार्ट ऑफ जस्ट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन विच आई एम टेकिंग एंड कीपिंग इन टू माई ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल, ऑप्टेंड वाला जो वर्किंग पेपर हो गया। जीएल में इन्वेस्टमेंट दिखता है, सर आपने तो बोला इन्वेस्टमेंट ब्रांच करेगी ही नहीं, तो देयर इज ओनली वन इंस्टेंस वेयर देयर कुड बी इन्वेस्टमेंट इन टू द ब्रांच जीएल। क्या होगा, कई बार आपकी बैंक ने कोई पर्टिकुलर कंपनी के शेयर, डिबेंचर, कोई सिक्योरिटी ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर एक्वायर करके रखी है, और वो कंपनी फॉर एग्जांपल बड़ौड़ा में है, तो बड़ौड़ा की मेन ब्रांच में इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट पार्क करके रखी और वो ब्रांच को जिम्मेदारी दी गई कि भाई ये जो कंपनी बड़ौड़ा में है जिसके सिक्योरिटीज हमने ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर एक्वायर किए हैं, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एचओ का बैलेंस शीट, बट एज द कंपनी इन विच द इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन इज सिचुएटेड इन बड़ौड़ा, हम बड़ौड़ा की एक पर्टिकुलर ब्रांच में इसको पोस्ट करते हैं, सो दैट उसका जो भी पीरियोडिक इंटरेस्ट या बेनिफिट रियलाइज होना है, या जब मैच्योरिटी पे सिक्योरिटी को आपको लिक्विडेट करवाना है, तब ये पर्टिकुलर ब्रांच इसका देखरेख रखेंगे। उसके अलावा आपका ये इन्वेस्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं होगा। सो पॉइंट नंबर वन, रिपीटिंग वन मोर टाइम, देयर वोंट बी इन्वेस्टमेंट इन टू द ब्रांच बैलेंस शीट, इफ इट इज देयर दिस विल बी ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द एचओ बीइंग हेल्ड, राइट। और यहाँ पर मेरा ऑडिट मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंटेशन क्या आ जाएगा, मुझे उनसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के भाग स्वरूप एक नील है मेरे ब्रांच में इन्वेस्टमेंट, ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन ले लेना है। एंड सेकंडली, अगर ये एचओ के बिहाफ में आपने होल्ड करके रखे हैं, तो जीएल के अंदर इसका विवरण मिल जाएगा, उसके बारे में हम एक नोट लिख देंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है, तो जैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम करते हैं कि भाई उसकी इंटरेस्ट अक्रू है, ड्यू है, उसके रिलेटेड जो सारे पॉइंट है, पॉइंट नंबर टू में मैंने यहाँ पर कॉलम में दिखा के रखे हैं, दैट वी विल बी चेकिंग, बट रेयरली वी विल कम अक्रॉस दिस, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मोर डिटेल ऑफ वेरीफाइंग द इन्वेस्टमेंट। द सेम फंडामेंटल ऑफ वेरीफाइंग एनी अदर इन्वेस्टमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ द इनकम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, दो सेम प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग वुड एप्लीकेबल ओवर हियर। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, whether we should go with the separate representation or a combined, like for investment different one, sir, combined one, separate wo log denge nahi, but combined matlab kaisa karenge sir, LFAR ke jitne point hai uska ek representation banwanenge ke bhai aage wale mein maine dekha ke bhai kitne kitne jagah par mere accounts hai, abhi wahan representation nahi lenge to chalega kyunki main account ki statement hi le raha hu, yes, but yes, ye investment yes, ka cheez aisa hai ke jahan par mere paas कोई एविडेंस नहीं है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एज पर द ऑडिटिंग प्रिंसिपल इज द लास्ट थिंग विच विल बी ऑब्टेनिंग बाय एनी अदर मीन, मुझे कोई थर्ड पार्टी एविडेंस वगैरह नहीं मिल सकता। वहां तो मुझे थर्ड पार्टी एविडेंस मिल रहा है, दूसरी बैंक का या क्लियरिंग हाउस का एक मुझे स्टेटमेंट मिल रहा है, यहाँ पर कुछ जब नहीं मिलता तब जाके मैं लेता हूँ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो सारे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम ये जो एक्सेल वाला शीट बनाएंगे उसमें लिख देंगे कि यहाँ यहाँ पर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एक ही चारा हमारे पास बचता है, तो एक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी पूरी एलएफआर के रिलेटेड। जैसे टैक्स ऑडिट में हम ले लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन के रिलेटेड, कैश ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, एक ही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में साइन करवा लेते हैं टैक्स ऑडिट के सारे क्वेश्चन कंसोलिडेटेड, वैसा ही सर यहाँ मैं करना सजेस्ट करूंगा। तो ये चार नंबर का पॉइंट था असेट में, पांच नंबर का पॉइंट एडवांसेस। एडवांसेस के सारे स्लाइड एक एक करके मैं थोड़ा आपको बता दूंगा किस किस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, फिर इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे हम लोग क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से मुझे मिलेगी। एडवांसेस का सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज अबाउट द क्रेडिट अप्रेजल। यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट अप्रेजल में कई सारे ब्रांचेस और कई सारे बैंक आजकल कैसे चल रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री मॉडल या सेंट्रल प्रोसेसिंग, अलग अलग शब्द यूज करते हैं कि भाई एचएल की फाइल बोले हम नहीं प्रोसेस करते, एचएल की फाइल तो सारी हमारी लोन फैक्ट्री से बन के आती है, रिटेल लोन फैक्ट्री है, टू व्हीलर लोन फैक्ट्री है, वहां वहां से बन के आता है।
तो वहां पर एक चैलेंज या लिमिटेशन प्लानिंग के समय ये रहता है कि वो फाइलें देखने के लिए बहुत कम समय मिलता है, और बाई चांस इट इज अ रिटेल ओरिएंटेड ब्रांच, तो वहां पर आप देखोगे कि पूरे साल में 100 करोड़ का एडवांस किया है या पूरे साल में 20 करोड़ का एडवांस किया है, उसमें से बोले 15 करोड़ की तो मैंने खाली हाउसिंग लोन करके रखी है। एक हाउसिंग लोन का एवरेज टिकट साइज आप 25 लाख भी मान के चलो, तो उसके पास इतनी सारी हाउसिंग लोन की फाइल है, अगर आप ब्रांच में बैठ के देखते तो शायद 50% सैंपल के ऊपर जा सकते थे। अभी वो लोन फैक्ट्री में पूरे जोन के हमारे जैसे 50 ऑडिटर को उनको 3 दिन में फाइलें दिखानी है, तो दे विल आस्क फॉर कि सर हमको आप सैंपल दे दो, सैंपल छोटा सा ही वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको उस दिन वो रिटेल लोन फैक्ट्री जाना पड़ता है, एक कोने में बैठ के हमारे बहुत सारे प्रोफेशनली बैठे होते हैं, एंड वी विल हैव टू गो थ्रू दोज फाइल्स। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, अप्रेजल क्रेडिट अप्रेजल का, एंड अकॉर्डिंगली ब्रांच में होने वाली चीजों का सैंपल ब्रांच में वेरीफाई करेंगे, प्रोसेसिंग हाउस में होने वाली चीजों का सैंपल वहां पर प्रोसेस करेंगे। अगर सैंपल की बात करें एडवांसेस रिलेटेड, तो टोटल एडवांसेस फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच का 100 करोड़ है, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे कि सर वो तो पूरा साल में सेंक्शन हुआ होगा नहीं, तो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी सेंक्शन है अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी वेरीफाइड 100%, बट जो रिटेल लोन्स है उसके अंदर उसका एक सैंपल रीजनेबली छोटा बनेगा। फिर जो बड़े अकाउंट है 2 CR एंड अबव वाले, चाहे ये साल के अंदर वो सेंक्शन हुए या आगे के साल में, वो सारे 100% वेरीफाई करना है, एंड दे विल बी आल्सो पार्ट ऑफ द एनेक्शियर टू LFR जो आगे के पॉइंट्स के अंदर एडवांसेस में चलेगा। प्लस कई सारे अकाउंट्स में आपको ये बोला जाएगा कि सर ये पुराना अकाउंट था बट उसकी रिन्यूअल विथ एनहांसमेंट हुई, उसकी लिमिट 50 लाख थी बट 70 लाख को कर दी गई है रिन्यूअल के टाइम, तो उसको भी आप 100% चेक करेंगे। ये मैंने 100 करोड़ की ब्रांच का एग्जांपल दिया बट यही 250 करोड़ की ब्रांच आती है, तो मेरा सैंपल उस तरीके से उसके साथ साथ डिफरेंट मेथड पे मूव होगा। द मेथडोलॉजी इज वेरी क्लियर, साल में सेंक्शन किए गए हुए सारे अकाउंट चेक करना है, पिछले साल के LFR में जिस जिस अकाउंट की ऑब्जर्वेशन मिलती है वो ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू है या वो अकाउंट सुधर गए, उतने लिमिटेड परव्यू में वो अकाउंट्स में जाएंगे। ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू होती है तो लिमिटेड परव्यू बड़ा होगा और मेरा एंगल ऐड होगा कि भाई लास्ट ईयर वाले भाई साहब ने जो चेक किया था वो चीज तो परसिस्टिंग है ही है, इसने एक और बीमारी तो नहीं पाल ली है सारे, वो मुझे चेक करना होगा। और रिटेल लोन हाउसिंग लोन उसके अंदर आप थोड़ी फाइलें चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर ये ब्रांच में प्रोसेस हो रहा है तो एफिशिएंसी क्या है, और ये ब्रांच के बाहर रिटेल लोन फैक्ट्री में प्रोसेस हो रहा है तो एफिशिएंसी लेवल वुड बी ऑलवेज हाई, बट वहां पर सैंक्शन लेटर में लिख के देते हैं इतनी इतनी चीजें ब्रांच कंपाइल करेगा, और अगर वो कंपाइल नहीं करी है तो उसके लिए ब्रांच जिम्मेदार रहेगी, नहीं के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ये हाउसिंग लोन का चार्ज रजिस्टर करवाना है, उतना रिकमेंडेशन में लिख के प्रोसेसिंग वाला दे देगा, वो जिम्मेदार उसकी कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार रहेगी ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 व्हीलर लोन वहां से सेंक्शन होके आएगी, बट हम सभी को पता है आरसी बुक आने में 7 दिन लगते हैं, तो ये पर्टिकुलर बाइक की आरसी बुक आ गई कि नहीं उसका कंप्लायंस करने के लिए जिम्मेदार है ब्रांच। इतने बेसिक लेवल के सर एग्जाम्पल लेने का रीजन ही यही है कि यहाँ पर हमको थोड़ा भ्रमित कर दिया जाता है, सब कुछ वहां से सेंट्रल हाउस के आया है तो मस्त रहना है। सर आपको मस्त रहना है, स्पेशलाइज्ड टीम दोज हु हैव डन, बट आपको बोला है एज अ ब्रांच आपको क्या करना है, आरसी बुक तो आप ही कलेक्ट करोगे ना 60 दिन के बाद, राइट? सीसी वहां से उन्होंने बना के दे दिया, रिव्यू करके दे दिया, सर जेडो की सैंक्शन है कोई दिक्कत नहीं, बट सर जेडो की सैंक्शन में लिखा है हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट आपको लेना है और सिस्टम में फीड करना है, सालाना एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी आपको चेक करनी है, साल में 4 बार इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको भरना है, पोस्ट सैंक्शन रिव्यू रिपोर्ट आपको भरना है। तो जो एक भ्रमित करने वाली बात आ जाती है कि ये तो एचओ ने सैंक्शन किया, ये तो सेंट्रल हाउस ने सैंक्शन किया, हमारे पास तो पावर ही नहीं है। सर आई एग्री आपके पास ब्रांच में पावर नहीं है, बट आपके पास जिम्मेदारी है जो पावर ने सैंक्शन करके दिया और सैंक्शन लेटर के अंदर जो भी टर्म्स कंडीशन डाल के दी गई है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन का ड्यूरिंग द ईयर जब 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 वो ड्यू डेट आती है तब 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 तक पालन हो। तो जो फर्स्ट टाइमर दोस्त हैं उनको मैं ये खास बताना चाहूंगा, शुड नॉट गेट कैरिड अवे विद द यू नो ब्रांच मैनेजर दिस काइंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन कि सर मेरे पावर में तो कुछ नहीं है, ये है वो है, मैं तो खाली एफडी ओडी करते रहता हूँ। सर एफडी ओडी के अंदर भी चक्कर पड़ता है, फिजिकल डिपोजिट के पीछे डिस्चार्ज नहीं करते हैं कई बार, फिजिकल डिपॉजिट आप चेक करेंगे तो पता चलेगा थर्ड पार्टी डिपॉजिट के सामने लोन बनाई गई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग आएगी, मेरी खुद की एफडीआर के सामने मैं लोन लेता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग आती है। सर एनपीए के बारे में एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हमेशा बोलते हैं कि सर ये जो एफडीओडी वाला मामला है दैट्स अ हाईली सिक्योर्ड,
बट सर सीबीएस के आने के बाद भी कई जगह पर प्रॉपर डेटा फीड नहीं करने की वजह से बैंक की खुद की डिपॉजिट के सामने करी जाने वाली लोन भी ओवरड्यू हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर से बड़ा पुराना क्लाइंट है, 10 साल से इसकी एफडी के सामने ओडी चल रही है, बहुत बढ़िया। सर 10 साल पहले इसकी एफडी क्या रेट पे थी? 12%। क्या हो रहा है? ऑटो रिन्यू। 10 साल पहले इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन में क्या लगी? 12%, 1%, 13%। ठीक है, अभी रिन्यूअल जैसे जैसे होता है तो यहाँ ऑटो रिन्यू एफडी का हो रहा है, ये फाइल लोन की भाई साहब ने रिन्यू करी नहीं, तो लोन का रेट 13% चले आ रहा है 10 साल से, एफडी का रेट 12% से क्या हो गया? 6% आज का लेटेस्ट वाला रेट। तो यहाँ 6% इंटरेस्ट ये यील्ड करेगा और वहाँ 13% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो एफडी के सामने वाला ओवरड्राफ्ट भी सर ओवरड्रॉन हो सकता है। तो यहाँ पर अभी तो बहुत सारा सीबीएस में चेंज आ गया, बट जहाँ जहाँ ये चीज कॉन्शियसली नहीं होती है वहां पर ये हो जाता है, क्योंकि एफडी ऑटो रिन्यू हो जाती है। ओवरड्यू अपना रजिस्टर हर महीने निकालते हैं कंकरेंट ऑडिटर, और उसके पीछे बहुत सारा फॉलोअप हो रहा है, बट वो एफडी के लिंक जो ओडी होना चाहिए था, जिसकी नोटिंग एवरी ईयर होनी चाहिए थी, शायद वहां त्रुटि रह जाती है। तो जो लोन को सिंपलेस्ट मानी जाती है वहां पर भी नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आ सकता है। सिस्टम के अंदर कई बार एफडी ओडी अकाउंट की लियन मार्किंग नहीं होती, और जब आप फिजिकल एफडी ओडी चेक करोगे तभी पता चलेगा ये थर्ड पार्टी ओडी थी, एफडी थी, और उसके सामने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपरली चार्ज नहीं किया गया है। मैं ग्रास रूट लेवल के बेसिक वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 करोड़ की सीसी अकाउंट में क्या चेक करेंगे, वो वाला एग्जाम्पल मैं इंटेंशनली नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। हमें ऐसा ही है कि हमें वो 50-100 करोड़ वाले अकाउंट ही देखने हैं, बट सर छोटे छोटे अकाउंट में भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे कंप्लायंसेस के ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं। फर्दर मैंने बोला है ऐसे थोड़े और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एडवांसेस के बारे में, फिर थोड़े और एग्जांपल जो मुझे डिस्कस करने हैं वो मैं आपसे करूंगा। क्रेडिट अप्रेजल, फैसिलिटी सैंक्शन बियॉन्ड डेलीगेटरी अथॉरिटी, जनरली ऐसा नहीं होगा, बट बाय एनी चांस इफ इट हैपेंस सो विल हैव टू इमीडिएटली गिव अ लिस्ट ऑफ द सेम डिसबर्समेंट विदाउट कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन। यस सर, सैंक्शन कहाँ से बन के आया है आपका? एचओ या आरओ से। डिसबर्स किसको करना है? ब्रांच को। तो एचओ या आरओ ने बोला कि भाई इसका आपको दो वैल्यूअर के पास से वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लेना है, इसका चार्ज नोटिंग हो जाए बाद में ही जमा करना है, या इसका मार्जिन, मार्जिन का कॉन्सेप्ट को आपको पता होगा कि भाई 20 रुपए खुद का लगाऊंगा तब 80 रुपए का लोन मुझे बैंक देगा। तो ये क्या बोलता है, जो 20 रुपए का मार्जिन लाना है वो मार्जिन का कैपिटल इंट्रोडक्शन या अनसिक्योर्ड लोन कहीं से भी आप लेके आओगे, बाद में ही पहला स्टेज ऑफ डिसबर्समेंट होगा। हाउसिंग लोन स्टेज वाइज डिस्बर्स होती है, फैक्ट्री की बनाने की लोन स्टेज वाइज डिस्बर्स होती है, तो उसमें टर्म्स लिखी होती है, आर्किटेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इतने इतने का आएगा, बाद में हम दूसरे लेवल का पैसा डिस्बर्स करेंगे, या क्या बोलते हैं उसको, म्यूनसिपल अथॉरिटी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा तभी हम लास्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करेंगे। कई जगहों पर मशीनें इंपोर्ट की जाती है, तो उसका जिसके पास से इंपोर्ट करते हैं वो वाली एजेंसी का एक रिपोर्ट मंगवाते हैं, डीएनबी रिपोर्ट जनरली बोलते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, के भाई आपने जो सिंगापुर की कंपनी के पास से ये मशीन ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, या जिस जर्मनी से ले रहे हैं, वो वाला सप्लायर ठीक है या नहीं, उसका रिपोर्ट आएगा, बाद में आप वो सप्लायर को पैसा डिस्पर्स करोगे। एचओ ने, जेडओ ने सैंक्शन करके दिया, सर ये तो कमिटी सैंक्शन है, 3 AGM ने सैंक्शन किया, सर अप्रिशिएट, बट 3 AGM ने जो बोला है वो आपको चीफ मैनेजर साहब को कंप्लाई करना है, तो ये वाला पॉइंट है डिस्पर्समेंट विदाउट कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन। तो जो जो सैंक्शन टर्म्स में डाला गया है वो सारा चीज हम चेक करेंगे और उसके बाद ही इसको आगे ले जाएंगे। तो वन शुड ऑलवेज गो थ्रू द सेम, आई विल कम टू दैट वन मोर टाइम। उसके बाद वाला जो पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग डिस्पर्समेंट विदाउट एग्जीक्यूटिंग लोन डॉक्यूमेंट। कई जगह पर हमें लोन डॉक्यूमेंट ब्लैंक देखने को मिलेंगे, डेफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंटेशन, कई जगहों पर लोन डॉक्यूमेंट ब्लैंक मिलते हैं, लोन डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर ढंग से नहीं करवाए होते, या बोरोअर के सिग्नेचर ले लेते हैं, अफसर के सिग्नेचर रह जाते हैं। और सर ड्यूरिंग द ईयर एक मिड साइज ब्रांच में भी, ये जो दो बंदे ब्रांच चला रहे हैं, आपका सीनियर चीफ ब्रांच हेड और उसका असिस्टेंट, दोनों से एक का तो बदली हुआ ही रहता है, तो ये बोलेंगे सर बाद में करवा लेंगे, तब आपको समझना होगा कि सर आज के दिन में किसकी साइन करवाएंगे। ये लोन पिछले अप्रैल में सैंक्शन किया है, तब इसका जो असिस्टेंट था ये भाई साहब नहीं थे, वो वाले भाई साहब तो ब्रांच छोड़ के कहीं और ट्रांसफर हो गए हैं। लाइए सर अभी मैं कर देता हूँ, बट सर ये तो पिछले अप्रैल का है, आप उस टाइम वो अप्रैल में जिस डेट में थे उस डेट में आप यहाँ पर ये पोजीशन में थे या नहीं। तो डेफिशिएंसी इन द डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम नहीं बताएगा, वो मुझे देखना है, मेरी एक्सपर्टीज वहां पर काम लगेंगी, और
पहले जो भी सैंपल साइज बना के गया होगा डेफिशिएंसी ज्यादा आएगी, माय ऑडिट प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल टू चेंज माय सैंपल साइज एंड गेट इनटू द लिटिल ग्रेटर डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन व्हेन आई फाउंड डेफिशिएंसी इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द बैंक्स पार्ट। कोई एक पार्टी खराब है, उसकी फाइल में उसके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, उसमें बैंक की गलती नहीं, बट बैंक का पार्ट डॉक्यूमेंटेशन में कॉन्स्टेंटली पेंडिंग दिख रहा है, तो देर इज अ चांस दैट ब्रांच लेवल पे ये कंट्रोल पैरामीटर रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंटेशन आर नॉट प्रॉपरली डेल्ट विथ एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू इंक्रीज माई सैंपल। ठीक है, मेकिंग लियन ऑफ द बैंक, मार्किंग द लिकेन ऑफ द बैंक डिपॉजिट मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया था। पीरियोडिक रिव्यू बैलेंस कंफर्मेशन लेटर ऑफ द एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट। सर बैलेंस कंफर्मेशन बड़े अकाउंट के अंदर ऐसा बोलते हैं, उनसे मंगवाते हैं कि भाई उन्होंने अपने खाते में बैंक का बैलेंस क्या दिखाया है, एंड इफ देयर इज एनी रिकंसिलिएशन दे हैव नॉट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द चार्जेस इंटरेस्ट एक्सेट्रा देन देयर हैज टू बी दी कमेंट ऑन द सेम। लेटर ऑफ एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट हर 3 साल लिया जाता है, बट जनरली यू विल फाइंड इट ब्लैंक। बोले जब एनपीए जाएगा तब उन्हें उसमें डेट डालते हैं, दैट द बेस्ट प्रैक्टिसेस दे डू फॉलो। तो इसके अंदर हम अपना जजमेंटल स्टैंड लेके आगे जाएंगे। देन स्क्रूटिनी ऑफ द स्टॉक एंड बुक डेट स्टेटमेंट, आई हैव मेंशन द वर्ड स्क्रूटिनी, और आई नॉट आई हैव मेंशन द वर्ड वर्ड स्क्रूटिनी, बट हम क्या चेक करते हैं, खाली सर वारा स्टॉक स्टेटमेंट आ गए, बहुत बढ़िया। अरे सर उसके डिटेल में तो जाओ कभी आप, तो पता चलेगा स्टॉक में से कितना मार्जिन निकाला है, पेड स्टॉक के बारे में एम्फेसाइज किया है, तो क्रेडिटर्स निकाले या नहीं निकाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव गॉन अहेड विथ और नॉट। बड़े अकाउंट के अंदर साल में एक बार स्टॉक ऑडिट लगते हैं सेपरेट ऑडिटर के द्वारा, तो उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन मेंशन किए हैं उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आई गेट अ लॉट ऑफ परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द अकाउंट। बाकी मैं जो एक सिंपल चीज देखूंगा कि पिछले 3 महीने में इसमें क्रेडिट हुई है या नहीं, सर मैनेजर हर मंथ वो चेक कर लेता है कि इसका जो ब्याज डेबिट हुआ है उसनी तो क्रेडिट वो लोग किधर से भी लेके आ जाते हैं, बिलीव मी राइट। तो उससे ही मेरा खाली ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, बट बहुत सारे परस्यूज ऑडिट एविडेंस यहाँ मिलेंगे कि भाई उसके 3 एवरेज स्टॉक स्टेटमेंट मैंने चेक किया और वहां पर डीपी नहीं बन रही है, कंकरेंट ऑडिटर कॉन्स्टेंटली लिख रहा है कि स्टॉक के अंदर उन्होंने डेटर्स के अंदर उन्होंने रिलेटेड पार्टी के डेटर रखे हैं, स्टॉक के अंदर सम स्लो मूविंग आइटम है, स्टॉक ऑडिटर ने लिख के भेजा है, तो वो बोलता है स्लो मूविंग आइटम है और यहाँ पर हमने वो स्लो मूविंग आइटम डिडक्ट नहीं करी है, दैट मीन यू अराइव्ड एट द रॉन्ग डीपी। खाली 90 दिन में क्रेडिट नहीं आ रही है या इंटरेस्ट रिकवर नहीं हो रहा है, वैसी क्वेरी तो हमारे लिए वो बचाएंगे ही नहीं, वो तो पहले से इंश्योर कर लेंगे कि एक्स वाई जेड डेट के ऊपर कहीं से भी क्रेडिट आ जाके उतना इंटरेस्ट तो वो रिकवर करेंगे। बट सर ये सारी चीजें आपको एक्चुअल जेन्युइन अकाउंट ऑपरेशन हो रहे हैं या नहीं उसके बारे में एविडेंस देंगे। बैंक एक स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट आता है, एक इंस्पेक्शन आता है, आप मंगवाइए इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जैसे ही आप इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे वो क्या बोलेंगे, सर देख लीजिए चार्जेस ले रखे हैं। सर चार्जेस ले रखे हैं वो एक बात है, बट हमें रिपोर्ट तो दिखाओ। सर कल निकाल के देते हैं, दैट मीन्स कल बना के देते हैं। अभी वो कल दिखा के हैं उसमें गड़बड़ी कहाँ आ जाती है, चारों इंस्पेक्शन रिपोर्ट 4 क्वार्टर की एक ही भाई साहब साइन करता है। नियम बैंक का क्या बोलता है, 2 कंसेक्यूटिव इंस्पेक्शन शुड बी डन बाय 2 सेपरेट ऑफिसर्स। आज मैं गया तो कल खुराना जी जाएंगे और फिर मैं जाऊंगा, बट कल ऑडिटर ने मांग लिया मुझे कल 4 इंस्पेक्शन रिपोर्ट इसके टेबल पे धरनी है, तो आज रात को ऑडिटर को 9:30 बजे डिनर कराने के बाद मैं ब्रांच वापिस आऊंगा, 4 रिपोर्ट बनाऊंगा और कल सुबह दूंगा, लो खुराना जी चेक कर लो। तो उसमें मैं कहाँ गलती कर गया, चारों में साइन मैंने कर दी। खुराना जी बोलेंगे सर ये तो कल रात को ही बनी है, सर आपको कैसे पता चला। बोले मेरे को पता चल गया बिकॉज इट वॉज टू बी डन बाय डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर, एटलीस्ट साइंड बाई डिफरेंट ऑफिसर, इट इज नॉट देयर। तो मैंने बोला सर थोड़ा जनरल नॉलेज और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दो चीज रखेंगे ना तो चीजें पकड़ में आएगी, बाकी जो आईरेट नॉर्म्स है हमारे से अच्छे उन्होंने पढ़ के रखे हैं। सर दे आर 365 डेज बैंकर, वी आर बैंक ऑडिटर फॉर 3, 6 और 5 डेज, बिलीव मी राइट। तो ये एंगल से देखो तो जो एकदम अपरेंटली पकड़ में आने वाली मिस्टेक तो वो हमारे लिए रखेंगे ही नहीं, बट ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी जो ड्यूरिंग द ईयर की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो प्रूव करेंगी कि अकाउंट अच्छा है नहीं। बाकी मैनेजर तो डे 1 पे ऐसा ही बोलेगा सबसे अच्छे अकाउंट पूरे रीजन में मेरी ब्रांच में ही है, आप सब निश्चिंत होकर बैठे, एंड दैट इज द आंसर एट एवरी ब्रांच आई हैड बीन गेटिंग। सो एम आई सो लकी कि मैं जहां जाता हूँ अच्छी ब्रांच मिलती है, इट शुड नॉट बी द सेम फैक्ट राइट। तो स्क्रूटिनी ऑफ द बुक डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट, एक दो पॉइंट ये सारे क्वेश्चन के बाद भी लेने हैं मुझे एडवांस के रिलेटेड, मैंने आगे बोला था पीरियोडिक रिव्यू
नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर जिसका 10 लाख से ज्यादा का बैंक के अंदर एक्सपोजर है, उसके सर्टिफाइड या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने हैं, इंस्पेक्शन अभी हमने बात कर लिया, इंश्योरेंस ऑफ द सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है या नहीं, और उसका इंश्योरेंस लिया गया है या नहीं। इंश्योरेंस के बारे में भी सीधी यही बात आएगी, सर इंश्योरेंस, यस सर डेबिटेड, सर अकाउंट डेबिट हुआ, वो आपका क्रॉस सेलिंग का बिजनेस है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इंश्योरेंस की फिजिकल कॉपी दिखाई है जिसके अंदर बैंकर्स क्लॉज हो, ये स्टॉक या ये जो व्हीकल, ये जो मशीनरी बैंक ने देके रखी है उसके इंश्योरेंस में बैंकर्स क्लॉज आया है या नहीं, दैट इन केस ऑफ द समथिंग गोज रॉन्ग इंश्योरेंस क्लेम का पैसा बैंक को मिलेगा ना कि पार्टी को। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन मेरे बाद संकेत जी लेने वाले हैं तो उसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा, और इसके अलावा कोई भी मेजर डेफिशिएंसी है तो उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा, राइट। सो दिस आर द वेरियस पॉइंट रिलेटेड टू द एडवांसेस, दो या तीन पॉइंट एडवांसेस के बारे में और मैं कवर करके थोड़ा आगे बढ़ूंगा, एंड कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग दी वॉच एंड वी आर ऑन द टाइम सर, डोंट वरी। एडवांसेस के अंदर एक चीज होता है रिव्यू और रिन्यू। सिस्टम के अंदर कभी भी आपको 31 मार्च को पेंडिंग रिन्यूअल के केस नहीं मिलेंगे, 28/2 का या पिछले क्वार्टर का पेंडिंग रिन्यूअल का आप रिपोर्ट निकालिए, अगर कंकरेंट ऑडिट है तो 28/2 का भी, 29/2 का मिल जाएगा, ये लीप ईयर है खैर, या 31/1 का मिलेगा, या 31/12 का, तो कंपलसरी ये भाई साहब ने भी अपने आरओ को सबमिट किया हुआ है। तो जो बंदा 29/2 को इतना ज्यादा पेंडेंसी लेके चल रहा था, वो आपकी खातिरदारी करने के लिए ये 30 दिन के अंदर इतना सारा चीज कर दिया, इस बार शायद ऐसा भी बोल सकते हैं सर, 21 के बाद वो लॉकडाउन था तो बहुत टाइम मिल गया हमने कर दिया, सर लॉकडाउन था आपका बोरोवर कैसे ब्रांच में आके डॉक्यूमेंट देके गए, मतलब क्या हुआ, लॉकडाउन था सर मैंने अपना सारा काम कर दिया, सिस्टम में रिन्यू कर दिया, सो दैट इज गिविंग मी अ परसुएसिव ऑडिट एविडेंस दैट जो जहां पर 31/3 को इतना ज्यादा, सॉरी 31/12 को इतना ज्यादा पेंडेंसी, 29/2 को इतना ज्यादा पेंडेंसी और 31/3 को जीरो पेंडेंसी, सो आई हैव टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन और चेक द मेथोडोलॉजी हाउ 1 महीने के अंदर ये चीज हो गई। कंकरेंट ऑडिटर मेरा भाई बेचारा 3 महीने से बोल रहा है कि इतने ज्यादा रिन्यूअल पेंडिंग, इतने ज्यादा रिन्यूअल पेंडिंग, और वहां पर क्या रिप्लाई दे रहे हैं, पार्टी इज नॉट सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट, एक ही रिप्लाई आपको मिल रहा है कंकरेंट ऑडिट की कंप्लायंस में, तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि 31/3 के पहले पहले सारी चीजें आ गई, दैट शुड गिव मी अ परसुएसिव ऑडिट एविडेंस एंड सैंपल बेस पे मैं वो रिन्यू रिन्यूअल का डॉक्यूमेंटेशन मांगूंगा, सिस्टम में तो वो रिन्यू हो रखा, डॉक्यूमेंटेशन मांग के मैं चेक करूंगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है या सिस्टम में खाली इसको रिन्यू 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 आई रिव्यू मार्क हो गया है। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, बड़े एडवांसेस के बारे में सैंक्शन लेटर हमेशा पढ़ा जाए, सैंक्शन लेटर। मैंने तो अभी आपसे टर्म्स कंडीशन ऑफ सैंक्शन के बारे में दो तीन एग्जाम्पल लिए, कौन से, व्हीकल लोन के और हाउसिंग लोन के, जहां पर सैंक्शन लेटर स्टीरियोटाइप होता है एकदम कॉपी पेस्ट स्टैंडर्ड, बट जब बड़ी लोने होती है वहां पर सैंक्शन लेटर कैसा होता है, पार्टी टू पार्टी चेंज होता है, पार्टी टू पार्टी टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, तो सर वो सैंक्शन लेटर भी बड़े बड़े लेजर का सैंपल बेसिस पे पढ़िए, और जो टिपिकल सी टर्म्स कंडीशन आपको ध्यान में आती है, कई ऐसी टर्म्स कंडीशन आती है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो उसका कंप्लायंस हुआ या नहीं चेक करिए। रीजन सर एलएफआर में जो जो ऑब्जर्वेशन करते हैं शायद उससे आप एमओसी या क्लासिफिकेशन इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाओगे, बट कुछ हिडन करके रखा हो विच माइट आइदर रिजल्ट इन टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द आईआरएक एज पर द आईआरएक नॉर्म्स, दिस यू मे लीड टू इट और सम अदर नैरेटिव पॉइंट यू कम टू नो, और सम टाइम इट मे रिजल्ट इन टू लार्ज अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू लीकेज। सर एमओसी भी दो प्रकार की होती है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस और दूसरी पीएनएल की, कोई भी जगह पर इनकम एक्सपेंडिचर में टू माई नॉलेज 10,000 रुपए की इन्होंने लिमिट रखी है, उससे ज्यादा चेंज आता है तो भी मुझे एमओसी देनी है। सर सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लीजिए, कई जगहों पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन की वर्किंग में भी दिक्कत आती है, रिन्यूअल के समय आधा परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो उसकी इफेक्ट ये लोग कौन से डेट से दे रहे हैं उसकी वैल्यू डेटिंग चेक करिए, पता चला ये भाई साहब ने इसकी वैल्यू डेटिंग 1-10 दिन के बाद दी है, तो 10 दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा परसेंट का रेवेन्यू लीकेज मिल सकता है आपको वहां पर। कमिंग बैक टू द टर्म्स कंडीशन ऑफ द सैंक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सैंक्शन में दो चार पॉइंट बहुत कॉमन चीज मैं आपको बताता हूँ। एक लिखा है 6 महीने के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं, नहीं किए हैं, दिस माइट लीड टू पेनल इंटरेस्ट। उसके अंदर लिखा है, जो मेरे फ्रेंड्स प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम करते हैं वो इससे ज्यादा इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, कि जो मार्जिन के अंदर या डेट इक्विटी रेशियो के अंदर अनसिक्योर्ड लोन थी उसको हमने कॉज़ई इक्विटी लिया है, उसको
इक्विटी गिन के मैंने डेट इक्विटी रेशियो वर्कआउट किया है। तो बैंक को कई जगह पर बोलते हैं इन्फॉर्म करने के बाद, कई जगह पर बोलते हैं परमिशन लेने के बाद ही आप अनसिक्योर्ड लोन को पेमेंट करोगे, नहीं तो क्या हो जाएगा। आज मैंने अनसिक्योर्ड लोन लिए, मार्जिन मनी किया, उसके मैचिंग मैंने डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से डेट लिवरेज किया, और कल आप बैंक पैसा देते हो, मैं अनसिक्योर्ड लोन को पैसा पहले चुका देता हूँ, उसको जो पर्पज के लिए पैसा दिया है वहां पर मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। दैट वुड लीड टू अ डाइवर्जन ऑफ द फंड, एक क्वेश्चन वो भी आता है एलएफएआर में। या यहाँ पर क्या हो जाता है, आप अनसिक्योर्ड लोन का पैसा चुका रहे हो ना कि उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो। तो आप दो कंसेक्यूटिव बैलेंस शीट चेक करके पता चल जाएगा अनसिक्योर्ड लोन को इन्होंने पैसा दिया है या नहीं दिया, और ये देने से पहले इन्होंने बैंक को इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। मार्जिन मनी का सीए का सर्टिफिकेट चाहिए, इतना कंस्ट्रक्शन होने के बाद आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्लीशन के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारे टर्म्स कंडीशन कंप्लाई हुए हैं नहीं, और अगर नहीं हुए हैं तो लास्ट पॉइंट लिखा रहता है एनी नॉन कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन वुड रिजल्ट इनटू अ पेनल इंटरेस्ट ऑफ 1% ओवर एंड अबव एवरी अदर पेनल इंटरेस्ट। वो बोलेगा सर उसने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं डाला था, 2% पेनल इंटरेस्ट लिया है, सर यहाँ बोला है ओवर एंड अबव। रिन्यूअल वाला खाता पकड़ लो, उसमें हर बार आता है 6 महीने के लिए उसको एचडीएफसी का खाता चालू करने के लिए परमिशन दी है, और हर 6 महीने के बाद ये लोग परमिशन एक्सटेंड करते हैं, खाली रिन्यूअल में परमिशन एक्सटेंड करते हैं। सो एंश्योर करिए ये खाता बंद हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो दिस विल लीड इनटू द पेनल इंटरेस्ट या एनी अदर चार्जेस, और ये चार्जेस आपके 10,000 से ज्यादा होते हैं तो आपको पीएनएल की एमओसी भी बनती है। कई जगह सर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते पढ़ते ऐसी चीजें अपने ध्यान में आती है जहां पर ग्रॉस नेग्लिजेंस या वायोलेशन किया है। दो एग्जाम्पल यहाँ मैं शेयर करना चाहूंगा। एक ब्रांच के अंदर हमने एक पार्टी के अंदर पढ़ा, टर्म्स ऑफ कंडीशन में ऐसा लिखा था कि डेटर्स का मार्जिन जनरली क्या होता है 40%, स्टॉक का मार्जिन जनरली क्या होता है 25%, दैट इज स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पर इनको दिया था डेटर्स जो पीएसयू वाले होंगे, अंडरलाइन द वर्ड पीएसयू, उसके अंदर हम 120 दिन वाले डेटर लेंगे, बाकी सारे डेटर कौन से लेंगे 90 दिन, और पीएसयू के अंदर जो भी आपके डेटर हैं वहां पर हम मार्जिन 40% नहीं 20% भी देंगे, क्योंकि पीएसयू है उनका पैसा जनरली बैड नहीं होने वाला है, बट पीएसयू है तो शायद वो 90 की जगह थोड़े ज्यादा दिन पेमेंट में ले लेते हैं, तो ये डेटर की भी गिनती करके हम डीपी बनाएंगे। दैट वाज अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ टर्म्स कंडीशन और स्टिपुलेशन इनटू द टर्म्स कंडीशन गिवन टू वन पर्टिकुलर बोरोअर। अभी इन्होंने सिस्टमेटिकली इंटेंशनल अनइंटेंशनल वी नेवर गॉट अ चांस टू गेट इनटू द डिटेल, बट इसका इंटरप्रिटेशन क्या किया, जो खाते के सॉरी जो डेटर के नाम के अंदर पीछे लिमिटेड आता था उन सभी को पीएसयू मान ली। वो आईओसीएल को भी सप्लाई करता था, रिलायंस को भी सप्लाई करता था, दोनों रिफाइनरी को सप्लाई करता था, बट दोनों को उन्होंने क्या मान लिया पीएसयू, और इस तरीके से उसकी मार्जिन 40% 20% कर ली। सर 3 महीने के स्टॉक स्टेटमेंट निकाल के, डेटर स्टेटमेंट निकाल के हमने मार्जिन रिवर्क करी, दैट वॉज एनपीए नॉट सिंस 90 डेज बट फ्रॉम द अप्रैल फर्स्ट इटसेल्फ। तो ऐसे टिपिकल स्टिपुलेशन ऑफ द टर्म्स कंडीशन होती है, उसको पढ़िए। दूसरा एग्जाम्पल, 2 साल पहले हमने एक ब्रांच करी थी, उसके अंदर मैक्सिमम एग्रो इंडस्ट्रीज को फंडिंग करते थे। तो जैसे चार्जिंग सेक्शन होता है अपना कैपिटल गेन का, जिसके अंदर पहली डेफिनेशन क्या दी गई है कैपिटल असेट की, ये जो चीज कैपिटल असेट की डेफिनेशन में ही नहीं आती उसको हम कैपिटल गेन के प्रावधान एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो हमारे पास ऐसा टिपिकल केस आया कि एग्रो इंडस्ट्रीज के सारे बेनिफिट दे दिए, सारे सब्सिडी दे दिए, एग्रो के अंदर भी इन्होंने मार्जिन में भी ऐसा बोला था 25% मार्जिन लगेगा डेटर्स के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन देते थे, बट जब जाके थोड़ा डाउट हुआ, एग्रो पॉलिसी पढ़ी, तो पता चला ये वाली जो चीज थी उसको एग्रो इंडस्ट्री का बेनिफिट नहीं मिल सकता था, और इन्होंने क्लासीफाई कहाँ पर करके रखा था एग्रो में, डे वन से इसके अंदर 0.5% से ज्यादा की रेट ऑफ इंटरेस्ट की सर रिकवरी निकली। ओवरड्रॉन तो नहीं चला था फिर भी टर्नओवर अच्छा था, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते हुए रिकवरी निकली। बहुत सारे चार्जेस में एग्रो को, जो एग्री एडवांसेस नहीं बोल रहा हूँ मैं, एग्रो प्रोसेसिंग बोल रहा हूँ, थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे जो कंसेशन देते थे उसके अंदर भी रिकवरी निकली। तो जब कभी भी ऐसा कोई स्पेशलाइज इंडस्ट्री रिलेटेड बेनिफिट दे रहे हैं तो आप उसको देखिए ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री रिलेटेड बेनिफिट के लिए क्या टर्म्स कंडीशन इनको कंप्लाई करके देनी, राइट। कोई जगह बोलते हैं गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है, तो गवर्नमेंट की स्कीम का कागज सफिशियंट नहीं है, ट्राई पार्टियट एग्रीमेंट होना चाहिए, और जिसके अंदर कितना पैसा गवर्नमेंट ने सिक्योर किया हुआ है उसके हिसाब से जानना होगा। सिक्योरिटी वैल्यू के ऊपर भी यहाँ पर असेट में कुछ पॉइंट था, तो जहां जहां सिक्योरिटी वैल्यू एडिक्वेट है वहां पर एनपीए अकाउंट्स के अंदर उस तरीके से प्रोविजन करेंगे, और जहां पर सिक्योरिटी वैल्यू एडिक्वेट नहीं है
तो पहले साल में ही अनसिक्योर्ड पोर्शन के सामने 100% प्रोविजन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वो संकेत जी ज्यादा डिस्कस करेंगे। फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन होता है, इंटरेस्ट को टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आप इंटरेस्ट को टाइमली पे नहीं कर पाए, तो ये चीज डे वन से आपकी अनसिक्योर्ड ही रहती है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। नैन जी, एक क्वेरी है, बोलिए सर। सुप्रिया जी पूछ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर लोन लिमिट इज एक्सीडिंग ₹10 लाख बट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट सबमिटेड, बोरोवर सर एक्सप्लेन एटलीस्ट दैट सेट कंडीशन आर नॉट देयर इन सैंक्शन लिमिट एंड माय टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, देन वेयर टू सर रिपोर्ट। इसमें ऐसा है, यहाँ तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये LFR में बोला है, आपके लेटर में लिखा है नहीं लिखा वो अलग चीज हो गई है। सर बीच का रास्ता जिसको बोलते हैं, जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड मैं बोलना चाहूंगा, एटलीस्ट सर्टिफाइड कॉपीज हर कोई मंगवा लेता था, पर अभी जैसे जैसे 40 लाख, 1 करोड़, आज तो 2 करोड़ हो गया, कई केसेस में 5 करोड़ हो जाएगा, सो इन दैट केस इट वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट दिस। एंड आफ्टर द यूडीन कमिंग इन, ये साल में और ज्यादा पता चलेगा कि इससे प्रैक्टिकली ये लोग कैसे कंप्लाई करते हैं। तो सुप्रिया जी को मैं अभी यही बोलना चाहूंगा कि लास्ट सेमिनार में भी यही क्वेरी आई थी, तब यूडीन का भी रेफरेंस पाया गया था, तो थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जाके ही पता चलेगा कि इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या गया सर, ऑडिट की मर्यादा 40 लाख थी, तभी भी ये 10 लाख रुपए था, और यहाँ 2 करोड़ पहुंच गए, तभी भी ये लिमिट 10 लाख ही है। LFR 2003 में लास्ट रिवाइज हुआ था, तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। इस साल वहां बैठेंगे हम जाके, तभी ही पता चलेगा कि इसके अंदर किस तरीके से क्या क्या पॉइंट हमें डील करने को आएंगे। डेट ऑफ एनपीए, कई जगहों पर हमें एनपीए के अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा एस्क्रोम यूज करता है, बाकी सारा फिनेटल में होता है। एस्क्रोम 2 साल से, पिछले 2 साल से टू माई नॉलेज हैज बीन वेरी सिक्योर, सिक्योर मीनिंग देयर बाय ब्रांच लेवल पे उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, पहले बहुत सारे चेंजेस कर देते थे, वहां पर सर डेट ऑफ एनपीए लोग चेंज कर देते थे, सो दैट प्रोविजनिंग वुड रिड्यूस। सो IRAC में ये चीज भी आपके डिस्कस आएंगी, बट यहाँ पर एक पॉइंट जो मैंने जस्ट डाल के रखा था तो ये मैंने लिया, एक जस्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिकल हमारे सामने आया था उसके बारे में बात करना चाहूंगा। एक जगह पर ऐसा था कि एक पार्टी के इंटरेस्ट या चार्जेस रिकवर नहीं हो रहे थे, इसको एग्जाम्पल हम लास्ट मान रहे हैं एडवांसेस का, और उसके बाद जो सेंडरी रिसिस्टेंस चालू हो रहा है उसका पहला एग्जाम्पल मान के हम चल रहे हैं, दोनों का एक कंबाइन वाला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक जन का बहुत सारा चार्जेस बाकी था, इंटरेस्ट बाकी था, और अगर वो रिकवर नहीं होता तो अकाउंट वुड हैव वन ओवर रन। तो ऐसा सस्पिशियस अकाउंट था, तो ऑलरेडी हमने उसका लेजर तो मंगवा ही लिया था, लेजर के अंदर तो वो अकाउंट के अंदर क्रेडिट आ रही थी, बट जनरली क्रेडिट कैसे आती है सर, एक बार हमारे खाते में वो क्रेडिट आएगी तो डेबिट कहाँ होगा, आइदर उसका पार्टी उसकी कोई दूसरी फैसिलिटी में से वो पैसा लाया होगा, या कोई ऐसी जगह से डेटर वगैरह रियलाइज होकर पैसा आया होगा वगैरह वगैरह। यहाँ ये भाई साहब ने क्या कर दिया था, वेरी इंटेंशनल क्लेवर गेम दे प्लेड, पार्टी के अकाउंट में पैसा डेबिट हो गया, सन्ड्री सस्पेंस में पुराना बैलेंस चलते रहता था उसको डेबिट करके सन्ड्री को खत्म कर लिया, और यहाँ पार्टी अकाउंट में क्रेडिट ले आया। बाकी होना क्या चाहिए था, इंटरेस्ट अकाउंट आपका जमा होना, मतलब पार्टी अकाउंट क्रेडिट होगा और वहाँ इंटरेस्ट अकाउंट में इनकम बुक होगी, बट एक्चुअल तो इंटरेस्ट रिकवर हुआ ही नहीं था, तो इसको यहाँ उन्होंने किसके सामने एडजस्ट कर दिया था, सन्ड्री और सस्पेंस के सामने। तो कई दफे हमें थोड़ा डिटेल में इस तरीके के लेजर भी चेक करने पढ़ेंगे। सन्ड्री सस्पेंस एडवांसेस के बाद का पॉइंट है, सन्ड्री सस्पेंस में ये चीज आपको दो तीन बड़े बेसिक से पॉइंट आपको मैं समझाना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अकाउंट सन्ड्री या सस्पेंस के अंदर आते हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, उसके बाद आप कंकरेंट ऑडिट या ऐसी कोई भी, एटलीस्ट आपको कंकरेंट ऑडिट नहीं है तो 31/12 की आपके ब्रांच के जो क्लोजिंग रिपोर्ट गए होंगे HO में वो ले लेंगे, तो भी पता चलेगा कितनी एंट्री सन्ड्री सस्पेंस या वेरियस अदर सेंसिटिव अकाउंट्स के अंदर पेंडिंग थी, और वो सारे नील या रिड्यूस्ड कैसे हो गए 31/3 को। वहां मेरा भाई कंकरेंट ऑडिटर 90 दिन के ऊपर एंट्री पेंडिंग है, 30 दिन के ऊपर एंट्री पेंडिंग है, लिखते लिखते थक गया, और यहाँ पर एंट्री नील मिल रही है या रिड्यूस मिल रही है, तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ मेकिंग द कमेंट ऑन द क्लोजिंग अमाउंट, गो थ्रू द लेजर एंड इंश्योर यहाँ पर जो एंट्री पार्क करी थी कौन सी करस्पॉन्डिंग एंट्री के द्वारा ये एंट्री रिवर्स हो रखी है, और उसके वाउचर या उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगवा के चेक करिए कि ये सही तरीके से रिवर्सल हुई है या कोई दूसरे खाते में जाके रख दिया है, और वहां पर वो भी लेस देन 30 डेज मिल रहा है और ये आपको नील मिल रहा है और आप आगे जा रहे हो, जस्ट आपको आई वॉश नहीं कर रहे।
तो सेंट्रल सिस्टम में कौन कौन से खाते आते हैं वो देखिए, बैलेंस देखिए, या आगे के क्वार्टर का बैलेंस देखिए, या अगर कंकरेंट ऑडिट में ब्रांच कवर है तो कंकरेंट ऑडिटर के रिपोर्ट में देखिए, और इजीली वो अकाउंट निल या रिड्यूस होता मिले तो मुझे डिटेल में जाने की आवश्यकता रहेगी कि यहाँ क्या क्या चीजें आएगी। सन्ड्री सस्पेंस के पहले ये एक और स्लाइड थी, वो हम बात करना चूक गए, दैट वाज रिगार्डिंग द सिक्योरिटी आइटम, स्टेशनरी आइटम। अभी स्टैम्प्स वगैरह तो बैंक में होते नहीं है, चेकबुक वगैरह भी सेंट्रली दी जाती है, तो दो या तीन चीजें ही सिक्योरिटी आइटम में बच जाती है विवेक जी। वन इज अबाउट डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, थर्ड वन इज द एफडी। तो एफडी के अंदर जो विंडो ड्रेसिंग वाला सेकंड लास्ट पॉइंट है एलएफएआर में, इसका परस्यूसिव एविडेंस यहां से मिलेगा कि भाई ऐसा अचानक से क्या हुआ कि 25 तारीख के बाद बहुत सारी एफडी यूज हो गई। बट सर ऐसा पता कब चलेगा? जब मैं उसने दी गई स्टेटमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करने से बियॉन्ड जाऊंगा कि आज उन्होंने बोला है एफडी इतनी है मेरे पास, इतने मेरे पास एटीएम के पिन मिलर है या एटीएम कार्ड है वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो मैच करवा ही देंगे ना ऑडिटर के आने से पहले। ऐसी चीज में वो थोड़ी डिस्क्रिपेंसी रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। बट सर आप उसकी मूवमेंट देखिए कि 25 तारीख के बाद एफडी में इतना ज्यादा कंजम्पशन क्यों आ गया। डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसी चीज है जिसका आजकल कोई यूज नहीं होता। हम एनईएफटी का यूटीआर नंबर देते हैं, वहां से बंदा अपना माल रिलीज कर देता है। पहले क्या होता था, डीडी एक सिक्योर पेमेंट माना जाता था, इसलिए हम इसके बारे उसकी चर्चा होती थी। ये ब्रांच में इतना सारा डिमांड ड्राफ्ट का चलन क्यों है? हाई पीपल आर बाइंग सो मच ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट अगेंस्ट कैश, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट मेंशन इन द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लिस्ट ऑफ द पीएमएल एक्ट। तो कोई डिमांड ड्राफ्ट के अंदर ज्यादा मूवमेंट दिखती है तो यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, या विंडो ड्रेसिंग हुई है, एफडी बढ़ी है, एफडी के सामने एडवांसेस बढ़े, तो दिस वुड गिव यू अ परस्यूसिव ऑडिट एविडेंस। तो स्टेशनरी को जस्ट स्टेशनरी के तरीके से मत चेक करिए, वो तो हमेशा आपको रिकनसाइल मिलेंगी, बट उसकी ड्यूरिंग द ईयर कहाँ कहाँ जब एक एबनॉर्मलिटी के अनुसार मूवमेंट हुई है वो थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद का जो पॉइंट था, दैट वॉज अबाउट द सन्ड्री सस्पेंस जो हमने जस्ट देखा, जस्ट अभी उसके रिलेटेड मैंने आपसे एक बात किया, उसका ब्रेकअप ले लीजिए, पुराना बैलेंस ले लीजिए कंकरेंट ऑडिटर की, उसके रिलेटेड एक ऑब्जर्वेशन ले लीजिए एंड इंश्योर करिए कि उसका बैलेंस सही तरीके से वो रिड्यूस हो रहा है या नहीं। इन ऑपरेटिव अकाउंट की लिस्ट मुझे कहाँ से मिल जाएगी? डेली एक्सेप्शनल रिपोर्ट से, और ड्यूरिंग द ईयर जितने इन ऑपरेटिव अकाउंट ऑपरेशनल हुए हैं उसकी लिस्ट भी मुझे मिल जाएगी। अनयूजुअल और लार्ज मूवमेंट इन एग्रीगेट डिपॉजिट एट द ईयर एंड, जस्ट अभी मैंने वो एग्जाम्पल के जरिए क्लियर किया। कंपेरेटिव हर क्वार्टर का चेक करिए, जरूरत पड़े तो मंथली कंपेरेटिव चेक करिए। और यहाँ सर फायदा क्या होगा, हम स्टेचुटरी ऑडिट करने जाते हैं तो खातिरदारी अच्छी होती है, तो एक बार ये मुझे निकाल के दो, ये डिटेल दो, तो जनरली मिल जाती है। कंकरेंट ऑडिट या दूसरी ऑडिट में जो दिक्कत पड़ती है डेटा आने में, उतनी दिक्कत नहीं होगी। और दो चार कमांड आप बता देंगे ना, सर ये अकाउंट में जाके एच एस एल आई करो, आप रिपोर्ट सर्वर से जाओ, वो क्या बोलेंगे, सर मंथ मंथ रिपोर्ट निकलती है, आपको तो 12 महीने की डिटेल कैसे दो? सर आप लाइव सर्वर में मत जाओ, रिपोर्ट सर्वर में जाओ, वहां 12 महीने की इकट्ठी रिपोर्ट आती है। ऐसे दो चार कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट करिए रिगार्डिंग दी सीबीएस, तो उनको भी पता चलेगा कि वी नो द थिंग। और दो चार चमत्कार इतने दिखा दीजिए, सर सीबीएस का डेटा एक बार मेरे पास एक्सेल में आ गया ना, तो उसकी मेरे से ज्यादा अच्छी क्या बोलते हैं खातिरदारी कोई नहीं करेगा। कुंतल ने डेफिनेटली वो समझाया होगा कि एक्सेल में एक बार डेटा आ जाने के बाद उसके तो किस तरीके से हम चर्न आउट कर सकते हैं। तो डेटा नहीं मिलना या डेटा मिलना, उस प्रॉब्लम का आप जरा भी चिंता मत करिए। ओवरड्यू मैच्योर टर्म डिपोजिट का भी आपको एक डिटेल मिल जाएगा एंड दैट हैज टू बी रिपोर्टेड। बीपीबीडी दैट वुड बी वेरी लेस आइटम इन टू दिस सन्ड्री डिपोजिट। सन्ड्री क्रेडिटर का भी पूरा लिस्ट आपको कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट में जनरली मिलते जाएगा। कंटीजेंट लाइबिलिटी बड़ा सा पेचीदा सा पॉइंट है, हम हमारे क्लाइंट की बैलेंस शीट में कंटीजेंट लाइबिलिटी का कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, तो यहाँ कौन रखेगा? सर कैन देयर बी अ कंटीजेंट लाइबिलिटी इन द ब्रांच बैलेंस शीट? बैंक की बैलेंस शीट में तो चलो सीए से देख लेगा, ब्रांच की बैलेंस शीट में सर हो सकता है। आपने बोल दिया सर हो सकता है, मुझे पता कैसे चलेगा? ये तो कंटिजेंट चीज है सर, दो या तीन जगह से पता चलेगा। सबसे पहले आप उसको पूछिए कंज्यूमर सॉरी कस्टमर कंप्लेन रजिस्टर लाके दो, या सॉफ्ट कॉपी में आपके कंप्लेन आई है तो कितनी कस्टमर कंप्लेन पेंडिंग है। इससे क्या होगा सर, आप रिव्यू कर लीजिए कस्टमर कंप्लेन। उसमें दो ही प्रकार की कस्टमर कंप्लेन रिटर्न वे में आएगी, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्यूट या चार्जेस डिस्प्यूट, डिस्प्यूट आई एम यूजिंग दी वर्ड, और वो डिस्प्यूट का अच्छे से रिप्रेजेंटेशन, एक बार ऑन पेपर कंप्लेन आ जाती है बाद में अच्छे से रिप्रेजेंटेशन एंड टेक केयर हायर अथॉरिटी लेती है, कई बार तो वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन तक पहुंच जाते हैं, राइट? उसके बारे में भी अवेयरनेस
आप आजकल हम टीवी के ऊपर देखते हैं। तो इफ द थिंग गोज अगेंस्ट द बैंक एंड बैंक एट दैट टाइम मे हैव टू पे दिस मच ऑफ द अमाउंट एज अ डिफरेंस इनटू द चार्जेस और द इंटरेस्ट, तो टुडे एज ऑन द डेट दैट आउटकम ऑफ माई लाइबिलिटी इज नॉट डिसाइडेड, सो एज पर द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इजंट इट अ कंटिजेंट लाइबिलिटी? सर इट इज। तो ऑडिट मेथोडोलॉजी वाला जो मैंने पहले से एक्सेल दिखा के रखी है वहां पर मैं लिख के रखूंगा ये पॉइंट के सामने, मैं क्या मंगवाऊंगा कस्टमर कंप्लेन रजिस्टर, और वहां देखूंगा ऐसी कोई सीरियस कंप्लेन है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट और द चार्जेस बीइंग रिकवर्ड, और इमीडिएटली उसका अगर सोल्यूशन नहीं आया है और सीरियस नोटिंग रिप्रेजेंटेशन चल रही है तो दैट अमाउंट वुड बी पार्ट ऑफ माई कंटिजेंट लायबिलिटी। तो जो चीज अनयूजुअल चीजों के ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन किया, रीजन यही है कि यहाँ पर हम सिंपली लास्ट ईयर का कॉपी पेस्ट लेके चलते हैं, एडवांस इसका उसके ऊपर मैंने 20 मिनट स्पेंड किए, बट मैंने एक्सेस कैश के बारे में भी उतनी डिटेल बताई, रिकंसिलेशन जो हमेशा अज्यूम करवाया जाता है रिकनसाइल उसके ऊपर भी बात किया, कंटिजेंट लायबिलिटी मैं विवेक जी सही में बोलता हूँ जितने लोग सुन रहे उन्होंने कभी इतना डिटेल में यहाँ शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ब्रांच की बैलेंस शीट में कोई कंटिजेंट लायबिलिटी आएगी, या ब्रांच क्या बोलेगी एचओ ने कुछ नहीं बोला ऐसा कंटिजेंट लायबिलिटी के बारे में, राइट? मुझे क्या पता, ये तो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, ऐसा सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। पी एंड एल के रिलेटेड 3 या 4 पॉइंट वेरी क्विकली सर, सीबीएस हो चाहे कुछ भी हो, आप अपने सैंपल के अनुसार प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के एक्सेल के अंदर 2-4 अकाउंट का, बड़े लार्ज अकाउंट का आप इंटरेस्ट चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, कोई जगहों पर वैल्यू डेटिंग के अंदर भी दिक्कत होने के वजह से इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंस आता है, चार्जेस के अंदर डिफरेंस आता है, कोई खाते के अंदर उन्होंने कोई पर्टिकुलर डेट से एग्जम्पशन दिया हो और उन्होंने पूरे साल चार्जेस ना लिए हो, ऐसा भी हो सकता है, तो रेवेन्यू लीकेज का पॉइंट यहाँ पर रहेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा जितने भी खर्चे जो पी एंड एल में करते हैं वो सारे खर्चे विद इन दी पावर होने चाहिए, और अगर नहीं है तो खर्चे करने की छूट दी गई है बट इनको क्या लेना होता है पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, ईमेल में जनरली आती है वो ले ली गई है या नहीं, ईयर एंड की डेप्रिसिएशन और प्रोविजनिंग, मैं क्यों ये दो वर्ड के पीछे गया, उसका आप सेपरेट सर्टिफिकेट देते हैं नयन और जी, डेप्रिसिएशन सर इस बार लीप ईयर है, 366 डेज है, तो इंटरेस्ट का ये ऑटोमेटिक हो जाएगा या हैव टू कैलकुलेट दैट? सर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा इंटरेस्ट का। लीप ईयर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा आपका एडवांसेस के ऊपर, एडवांसेस ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी मैं बोलूंगा सर टर्म लोन के अंदर या सीसी के अंदर दो जगह, एक जगह यूज किया गया है वर्ड 90 डेज एंड अबव, एक जगह यूज किया गया है 90 डेज अबव मोर देन 90 डेज, और एक जगह पर वर्ड है 90 डेज एंड अबव, डायरेक्ट में डिस्कस कर लें ऐसा हो तो ये जगह पर कई लोन जो बच जाते थे 90 डेज नहीं होने की वजह से, उनके 90 डेज इस बार लीप ईयर होने की वजह से 31-3 को हो जाएंगे, तो लीप ईयर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस बार आयरेक वगैरह में आएगा, इंटरेस्ट का तो वो अपने आप सर कैलकुलेट कर लेगा, बट अगर आपको शायद डाउट पड़ता है तो आप प्रोडक्ट निकाल के उसको भी चेक कर सकते हैं। मैं इसके प्रोविजनिंग के बारे में था और डेप्रिसिएशन, उसके आप सर्टिफिकेट में भी उसको अलग से मेंशन करते हो तो उसकी भी वर्किंग आप एक बार चेक कर लीजिए, डेप्रिसिएशन की वर्किंग में कई दफा दिक्कत होती है क्योंकि एसेट ब्रांच लेवल पे परचेज होती है, बाद में जाते जाते आरओ से पेमेंट होता है तो लेस देन 90 डेज, सॉरी लेस देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज में मैंने कई जगहों पर इसमें दिक्कतें देखी है, क्योंकि कई बार क्या होता है सर आरओ ने परचेज कर लिए 100 एसी अगर जून जुलाई में, और आपके ब्रांच में वो एसी आते आते इंस्टॉल होते होते हुए उसको दिसंबर लग गए, तो अभी कितना डेप्रिसिएशन लेंगे नहीं लेंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिविटी में हमें जाना पड़ता है और उनके अनुसार जाना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन में भी इस प्रकार के पॉइंट हो सकते हैं, हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरा सारे खर्चे के अंदर टीडीएस कटा है या नहीं, क्योंकि जो जो बैंकों के अंदर हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मोस्ट ऑफ द थिंग्स गोट्स नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट द टीडीएस प्रोविजनिंग, तो आप वो चीज देख लीजिए, जीएसटी की क्रेडिट लेना भूल तो नहीं गए हैं एक दो सैंपल बेस पे, वो चीज आप चेक कर लीजिए। उसके अलावा पी एंड एल में कोई ज्यादा चीज डाइवर्जेंट ट्रेंड के बारे में एक चीज पूछते हैं, यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट का जो कंपेरेटिव वाला स्टैंडर्ड है 2 साल के पी एंड एल 2 क्वार्टर के पी एंड एल उठा के देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि दोनों क्वार्टर में डिपोजिट या एडवांसेस में कोई बड़ा अंतर नहीं आया है, फिर भी इंटरेस्ट में क्यों फर्क पड़ रहा है, या वाइस वर्सा, या रिन्यूअल कितने हुए, विसाविस चार्जेस कितने आए हुए, कंपैरेटिव वाला जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा ध्यान में रख के आप चलेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर कोई डाइवर्जेंट ट्रेंड
इन दी आइटम ऑफ द इनकम या एक्सपेंडिचर आपको आ रहे हैं तो ध्यान में पड़ जाएंगे। दूसरा एक पॉइंट, जितनी जितनी भी रेवेन्यू लीकेज आप निकालते हैं उसको P&L के थ्रू रूट करेंगे, और 10,000 रुपए टू माई नॉलेज द थ्रेश होल्ड लिमिट इज देयर, उससे ज्यादा रेवेन्यू के अंदर फर्क पड़ता है तो डेफिनेटली उसको आपको MOC नॉट ऑफ द एडवांसेस बट ऑफ द P&L के जरिए रूट करना होगा। नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस, जिसको कमिटमेंट चार्जेस भी बोलते हैं, वो सिस्टम जनरेटेड नहीं होते हैं। पिनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी वैल्यू अगर नहीं डालते हैं तो डेफिनेटली सिस्टम चार्ज कर लेता है, बट कमिटमेंट चार्जेस जब तक मैन्युअली रन नहीं करते वो नहीं होता। और जो सारे टर्म्स कंडीशन और नॉन कंप्लायंस विद टर्म्स ऑफ सेंक्शन देगा वो भी मैन्युअली ही चार्जेस रिकवर करने हैं, तो वो चीज के ऊपर आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और कंपेरेटिव स्टडी विल गिव यू आइडिया ओवर अबाउट दी एनी ऑफ द डाइवर्जेंट ट्रेंड एक्सेट्रा इफ एनी इफ दे आर देयर। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेफिनेटली कंप्यूटराइज ही है, वही आएगा। इंक्ड आउट फिजिकल कॉपी में एप्लीकेबल होता था, यहाँ पर नहीं होगा। एक्सेस टू द डेटा सिक्योर और एडिक्वेट कंट्रोल एक्सेट्रा, यहाँ एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, या आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहे तो लिस्ट ऑफ एक्टिव यूजर वगैरह ले सकते हैं, एंड यू कैन गेट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर रिगार्डिंग दी एक्सेस कंट्रोल एक्सेट्रा एट अ ब्रांच लेवल। बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान CDS में ब्रांच लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, पहले मैग्नेटिक डिस्क वगैरह में ब्रांच लेवल पे बैकअप लिया जाता था, CBS के अंदर ये पूरा सेंट्रली लिया जाता है। तो ये आंसर प्रॉपर लिखिए, एट RO लेवल यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, CBS के अंदर सेंट्रल बैकअप लिया जाता है, ये आंसर आएगा। बट मैंने बोला इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लास्ट ईयर हमने BOB में देखा तो उन्होंने ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ही आंसर सिलेक्ट करने को बोला है, तो वहां पर मुझे ड्राफ्टिंग के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट कई जगह पर लगाना है तो मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ पर बैकअप CBS लेता है, बैकअप RO नहीं लेता। बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमारा आंसर ऐसा होता है कि ये चीज RO लेवल पे टेकन केयर हो गई है, तो बैकअप के अंदर भी आप बाई मिस्टेक टेकन एट RO ऐसा लिख के मत आना, इट इज अ सेल्फ जनरेटेड थिंग बीइंग डन बाय द CBS सिस्टम, ठीक है। इन डाउट एप्लीकेबल नहीं होगा CBS के अंदर। रिकंसिलेशन ऑफ द कंट्रोल एंड सब्सिडरी बुक, सर ये हमेशा बैलेंस मिलने का चांसेस है क्योंकि कंट्रोल एंड सब्सिडरी बुक दोनों आपके CBS के अंदर है। इसको पॉइंट नंबर टू का रेफरेंस मैंने लिया था पॉइंट नंबर टू के समय, तो ये हमेशा आपको मोर और लेस बैलेंस्ड मिलेगा। एंड बाय एनी चांस GL और सब्सिडरी बुक में रिकंसिलेशन नहीं है तो ये थोड़ा टेक्निकली सीरियस इश्यू हो जाएगा, आपको देखना होगा। बट इतना ब्रांच ऑडिट शुरू होने के पहले IT टीम ये सारी चीजों का टेक केयर कर लेते हैं। इफ एट ऑल देयर इज एनी इंटर ब्रांच अकाउंट एक्सेट्रा नॉट रिकनसाइल्ड, उसके ऊपर आपको आंसर मिल जाएंगे, कंकरेंट ऑडिटर के रिपोर्ट में भी मिल जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू मेक अ कमेंट ऑन द सेम इंटर ब्रांच। और ये रिकनसिलेशन CBS के बाद मेनली आपके अनरिकनसाइल्ड होने के चांसेस नहीं है। आपके अलावा जितने सारे ऑडिट ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं उनकी रिपोर्ट आप एक बार देख लीजिए, और अगर कोई मेजर ऑब्जर्वेशन इन्होंने डाले हैं उसके ऊपर आप इंश्योर कर लीजिए कंप्लायंस हुआ है नहीं। कंकरेंट ऑडिट की हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट जाती है, वो हुआ है नहीं, और इनका एक RBI का रिस्क बेस्ड ऑडिट होता है, राबिया बोलते हैं SBI में उसको, उसकी प्रॉपर कंप्लायंस हुई है या नहीं। ऐसे 240 टॉक्स अबाउट दी फ्रॉड, ऑडिटर इज सपोज टू कंसिडर द फ्रॉड, फ्रॉड ढूंढने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट कोई भी परस्यूजी ऑडिट एविडेंस सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आते हैं विच मे रिजल्ट इन टू द फ्रॉड, तो उसके बारे में मुझे डिटेल में जाना है, उसकी उस प्रकार की ट्रांजेक्शन को डिटेल में चेक करना है। एक एक्सेप्शनल रिपोर्ट के बारे में भी आगे शायद एक आध पॉइंट में पॉइंट आए थे। एक्सेप्शनल रिपोर्ट डेली निकलता है जो ब्रांच मैनेजर को चेक करनी होती है, तो वो एक्सेप्शनल रिपोर्ट डेली चेक करके रिकनसाइल, सॉरी उसको प्रॉपरली टेक केयर किया गया है नहीं। वहां सर ये चेक करिए ऐसी कौन सी एक्सेप्शनल चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली आ रही है, एक्सेप्शनल चीजें ऐसी है जो होनी ही नहीं चाहिए बट हो रही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी रेगुलर नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्शनल ही होनी चाहिए। तो कोई एक्सेप्शनल आइटम में पीरियोडिसिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है आपको तो आप उसके डिटेल में जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ द विंडो ड्रेसिंग एट द ईयर एंड वी हैव डिस्कस्ड मेनी ऑफ द एग्जांपल। फिक्स असेट के बारे में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का पॉइंट बताते समय ही आपको बता दिया था, इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, एंड एनी अदर मैटर विच इफ ऑडिटर वॉन्ट्स टू ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल ऑडिटर। सर मेरे को तो बहुत सारी चीजें यहाँ लिखनी है, मेरी ब्रांच बहुत दिक्कत वाली है, बट जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है वहां यहाँ ओनली 500 कैरेक्टर दिए गए हैं, मैं कैसे लिखूं? सर एनेक्शन में भी दो ही रो है, मैं कैसे लिखूं? मेंशन दैट द एनी अदर इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू गिव हैज बीन
सबमिटेड वाया ईमेल ऑन दिस 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 ईमेल अकाउंट डेटेड सो एंड सो। एनेक्शर में जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, ईमेल लिख दीजिए और वो ईमेल का रेफरेंस यहाँ लिख दीजिए, सो दैट बाद में कोई इंक्वायरी हो तो मैं बोल सकता हूँ सर आई हैड कम्युनिकेटेड दिस थ्रू एन ईमेल एंड एनश्योर टू मार्क दिस ईमेल टू द सेंट्रल ऑडिटर एटलीस्ट ही बीइंग फ्रॉम आवर फैटर्निटी वुड ट्राई टू बी इन आवर सपोर्ट। तो कोई ऐसी डिटेल और ज्यादा डिटेल आपको देनी है तो वो आप ईमेल के जरिए भी दे सकते हैं अगर ये आपकी फॉर्मेट नहीं प्रोवाइड करता। आपका फॉरेक्स वाला ब्रांच है, लार्ज एडवांसेस है तो उसके रिलेटेड एडिशनल चीजें देनी होती है। एज एन वेन एप्लीकेबल आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू इन टू इट, आई विल नॉट टच अपॉन देम। ब्रांच डीलिंग जो रिकवरी ब्रांचेज होती है वहां पर एक सेपरेट एनेक्चर देने होते हैं एंड क्लियरिंग हाउस को एक सेपरेट एनेक्चर देने होते हैं। तो आपको इनमें से कोई एक ब्रांच आती है तो आप उसके डिटेल में जाएंगे, बाकी मैं उसको अभी डिटेल में नहीं जा रहा। आई थिंक देयर आर लास्ट 4 5 मिनट्स एंड आई एम लेफ्ट विद ओनली 2 स्लाइड्स एंड व्हिच इज जस्ट अ रिकैप ऑफ ऑल वी हैव डन। विल बी गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस वेरी थरोली, डिजाइनिंग द प्रोग्राम इन द फॉर्मेट व्हिच आई हैव ऑलरेडी शोन टू यू, प्रिपेयर सेपरेट चेकलिस्ट ऑफ द ईच पॉइंट, रिकॉर्ड द एक्सटेंट इन द चेकिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आर टू बी kept with us, write the descriptive answer instead of the yes no not applicable, fact and figure quantification maine aage bhi introduction mein cover kiya tha, so to the extent possible it has to be quantified properly, observation which may result into the adjustment has to be routed through MOC, discuss this report with the branch management as and when required, maine example liye the kon kon se jagahon par hum branch ka representation lenge, LFR is the independent report, do not have any cross references any of the report, right? So this brings me to the